यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सर, बहुत दिन से आप नहीं दिख रहे थे यूट्यूब पे, तो मैं बताऊं, मेरा एक बैच था, उस बैच कंप्लीट हो गया है। अब मैं सिर्फ आपके लिए हूं और आपको फटाफट रिविजन लेक्चर देने वाला हूं। जो भी पेंडिंग रिविजन लेक्चर है वो आपको जल्दी से 4-5 दिन के अंदर अंदर ही सब मिल जाएंगे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, थियोरिटिकल टॉपिक। और इस टॉपिक को कम से कम आपको 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके चीजें हैं वो दिमाग में बैठेगी। तो हम चालू करने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। रिटर्न फाइलिंग चालू करते हो, रिटर्न फाइलिंग में सबसे पहली सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 एंड 139(1) इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिटर्न। क्वेश्चन ही आता है रिटर्न किसको फाइल करना है, तो मैं बता दूं कंपनी पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर क्वेश्चन ये है कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म इज पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP ऑल्सो, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर अगर उनका कोई भी बिजनेस नहीं है, लॉसेस है, तो भी क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। वंस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड या पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक बात बताओ, कंपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जो बाकी जितने भी लोग हैं उनको रिटर्न तभी फाइल करना है जब उनका टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। मिस मैं बोल दूं GTI जो ग्रॉस टोटल इनकम है, बट ग्रॉस टोटल इनकम आल्सो बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB। ये सब 54 की सीरीज की एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इधर देखो, सबसे पहली चीज रिटर्न फाइल करना किसको पड़ेगा, तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न। अदर एसएससी को तभी करना है जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम बट बिफोर क्लेमिंग the exemption under section 54 वाला सीरीज is more than basic exemption, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट अगर कोई इंडिविजुअल है एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इफ ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको अपना रिटर्न फाइल करना इंडिया में मैंडेटरी है। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी R&OR इंडिविजुअल है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आई कैन टेक एग्जांपल, आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, अगर इंडिया के बाहर मान लो नेपाल में आपका एक बंगलो है, आपकी कोई और इनकम नहीं है बट नेपाल में आपका बंगलो है, क्या आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। या फिर मान लो इंडिया के बाहर की किसी कंपनी के आपके पास शेयर है, जैसे मेरे पास फेसबुक के शेयर है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर है, मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। या फिर आपका स्विट्जरलैंड की बैंक में स्विस अकाउंट है, उसका साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर उसका ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ही इज नॉट अ बेनिफिशियल ओनर बट ही इज अ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मींस ऐसा पर्सन जो ओनर नहीं है लेकिन उसको असेट से बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मींस पर्सन गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द असेट, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है अदर देन आर बट एनओआर, मींस इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट R&OR, अगर R&OR है, ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बेटा बेनिफिशियरी अगर आप हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। I can take a example के जैसे मान लो आप इंडिया के रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, दुबई में किसी का एक घर है, कोई शेख बंदा है, उसका घर है दुबई में और उस घर का रेंट आपको मिल रहा है, मींस यू आर गेटिंग द रेंट, आप बेनिफिशियरी हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज समझदा, अगर बेनिफिशियल ओनर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, बेनिफिशियल ओनर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया इंडिया में और उसने उस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया, तो उस केस में बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किया और निर्मला सीतारमण जी ये बोलती है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको रिटर्न फाइल और करना मैंडेटरी है इंडिया में। सबसे पहला, तो अगर मान लो आपका एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में पूरे साल में मिला के जो डिपॉजिट है दैट इज मोर देन 1 करोड़ इन अ करंट अकाउंट, 1 और मोर करंट अकाउंट टोटल डिपॉजिट इन दैट करंट अकाउंट इज मोर देन 1 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे जो स्पेंड किया दैट इज मोर देन टू लाख रुपीज इन द प्रीवियस ईयर, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर जो इंकर किया है दैट इज पूरे साल में मिला के 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, तो आपको रिटर्न फाइल करना
मैंडेटरी है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, अगर मान लो आपका वन और मोर करंट अकाउंट में डिपॉजिट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज और फॉरेन ट्रेवल पे, किसी खुद का फॉरेन ट्रेवल या किसी और का फॉरेन ट्रेवल, आप हनीमून पे गए थे, खुद का और बीवी का दोनों का मिला के अगर मान लो फॉरेन ट्रेवल पे आपने एक्सपेंडिचर किया दैट इज मोर देन 2 लाख रुपीज, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पूरे साल का 1 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, तो मैंने आपको क्या बोला, एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं, रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मुझे ये बोलो कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। अदर एसएससी के लिए रिटर्न तभी फाइल करना है जब ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, D, E, C, F, G, GA, GB, ये सब लेने से पहले वाला जो ग्रॉस टोटल इनकम है दैट इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर कोई भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, समझने की कोशिश करना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी located outside India, including financial interest in any entity located outside India, or a signing authority of any account located outside India, that person has to file the return in India. But suppose if you are only a beneficiary of any asset located outside India, including financial interest in any entity located outside India, beneficiary is also required to file the return. But guys, अगर beneficial owner ने return file कर दिया, उसने income को अपनी income में include कर दिया, तो beneficiary को return file करने की जरूरत नहीं है। तीन लोग और हैं जिनको return file करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको? सबसे पहले आपका one or more current account में total deposit is more than 1 crore in the year, या फिर foreign travel पे जो आपने spend किया that is more than 2 lakh, या फिर electricity expenditure incur किया more than 1 lakh, आपको return file करना mandatory है। Question ये आता है sir, due date क्या है return file करने का? तो मैं बता दूं, return file करने का due date अभी change हुआ है, इस बार से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो cap, तीन लोग है, CAP that is cap, C for company, उसके बाद ए फॉर पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, एंड लास्ट इज अ वर्किंग पार्टनर नहीं है इस बार से। यहां अमेंडमेंट हुआ कैप में, पी जो है दैट इज ओनली फॉर द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो जो कैप वाले लोग है, सी ए पी, सी फॉर कंपनी, ए फॉर पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, एंड पी फॉर पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। सो कैप वालों के लिए ड्यू डेट है वो पहले 30 सितंबर हुआ करती थी, फ्रॉम दिस ईयर इट इज अ 31st अक्टूबर, और ये जो अमेंडमेंट ये रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है, मींस इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, कैप वाले लोग, सी फॉर कंपनी, ए मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, और पी फॉर पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके लिए 31st अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है उनके लिए 30th नवंबर, और बाकी वाले जितने भी लोग आपके मेरे जैसे गरीब लोग बच गए उनके लिए 31st जुलाई। अब एक और चीज समझना, 139(1)(a) ये बोलता है बल्क रिटर्न। बल्क रिटर्न में एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होता है कि एम्प्लॉय चाहे तो अपना रिटर्न है वो एम्प्लॉयर को फाइल कर सकता है, और एम्प्लॉयर क्या करेगा, जितने भी रिटर्न रहेंगे उसको एक साथ में इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल कर देता है, लाइक डीवीडी में डाल के, सीडी में डाल के, हार्ड डिस्क में डाल के एक साथ में फाइल कर देता है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, दैट इज कॉल्ड योर बल्क रिटर्न। आफ्टर दैट सेक्शन 139(1)(c) ये बोलती है कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को रिटर्न फाइल से एग्जेम्प्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्लास ऑफ पर्सन को रिटर्न फाइल कर से एग्जेम्प्ट कर सकता है थ्रू द नोटिफिकेशन, और देयर इज अ वन नोटिफिकेशन दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 55/2019, और ये नोटिफिकेशन ये बोलता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, समझने की कोशिश करना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जो कहां पे लोकेटेड है, IFSC में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड है, और उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, तो समझने की कोशिश करना, इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन द IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उस यूनिट होल्डर को जो इनकम दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट फंड ने, वो इनकम ही सिर्फ इनकम है उस यूनिट होल्डर का, और कोई इंडिया से इनकम नहीं है, और उस पर अगर TDS काट लिया है 194LBB में, तो उस केस में बेटा वो जो यूनिट होल्डर है उनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है That is located in the IFSC International Financial Service Center, और उसके जो unit holder है non-resident foreign company है, उसको investment fund से income मिल रहा है, और उस income पे investment fund ने TDS काट लिया, government को जमा करवा दिया, तो उस case में वो unit holder जो है उनकी India में और कोई income नहीं है, तो उनको India में return file करने की जरूरत नहीं है। लेकिन guys एक चीज समझना, unit holder को अगर notice issue हुआ है under section 142(1) या फिर 148 का या फिर 153A का, तो भैया उनको return file करना ही पड़ेगा। You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना, next section is 139(3). 139(3) is related to loss returns. Sir, question ही आता है कि हमको अगर loss हो गया तो भी return file करना पड़ेगा? Answer is yes, loss के case में भी return file करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक section टांगड़ आती है, और that section is section number 80. और सेक्शन 80 ये बोलती है कि भैया अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस के केस में आपको रिटर्न क्यों फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 80 ये बोलती है कि लॉस होता है अंडर द हेड PGBP या कैपिटल गेन या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। अगर आपका लॉस है PGBP का, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो ये लॉसेज जो है
तो भैया उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, उस अदरवाइज उस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्या आप सेट ऑफ कर सकते हो या नहीं? आंसर इज यस, आप सेट ऑफ कर सकते हो, बट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सेक्शन 80 ये बोलती है कि भैया अगर मान लो किसी ईयर में लॉस होता है अंडर द हेड पीजीबीपी कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे अप टू द ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 139(1) है वो फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो भले आपने रिटर्न लेट फाइल किया। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो भले आपने लेट फाइल किया। अब एक और चीज समझना सर, ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन अगर लेट रिटर्न फाइल हुआ, जैसे हो सकता है कि उस दिन क्या हुआ, इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं चल रही थी एंड ऑल, और कहीं किसी को मान लो कोविड हो गया था और उसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाए ड्यू टू द जेन्युइन रीजन और लॉसेस का केस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीडीटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि सर जो डिले है उस डिले को कंडोन किया जाए और हमको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करवाया जाए। एप्लीकेशन किसको करना पड़ेगा, अगर आपका जो रिटर्न लॉस है वो अप टू 10 लाख है तो आप सीआईटी पीसीआईटी को एप्लीकेशन करोगे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपका लॉस है वो 10 लाख से ज्यादा, अप टू 10 लाख से ज्यादा है बट 50 लाख तक है, तो उस केस में आप सीसीआईटी पीसीसीआईटी को एप्लीकेशन करोगे, और आपका रिटर्न लॉस है वो 50 लाख से भी ज्यादा है तो आपको सीबीडीटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और उनको लगता है कि यहां पे जेन्युइन कॉज है तो उस केस में आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करवाया जा सकता है इवन आपने रिटर्न लेट फाइल किया। नेक्स्ट सेक्शन इज 139 सबसेक्शन 4 इज रिलेटेड टू बिलेटेड रिटर्न। सर क्वेश्चन ही आता है कि रिटर्न अगर हमने टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक कर सकते हो? बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल within end of the relevant assessment year, means till the end of the relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। मैंने क्या बोला, जो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 सितंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप कर सकते हो, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कब तक? अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier। लेकिन मैं बताऊं, जब भी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, तो आपके साथ में 5-6 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको बेटा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगेगा। आपको अगर मान लो टैक्स पेबल आता है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगेगा। उसके बाद में एक और चीज समझना कि भैया आपको 234F का फीस लगेगा। 234F का फीस कितना लगता है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया बट अप टू 31 दिसंबर कर लिया तो आपका 5000 का फीस, 31 दिसंबर के बाद किया आपका 10000 का फीस, और आपका जो इनकम है वो अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है नेट टैक्सेबल इनकम तो उसमें मैक्सिमम फीस है वो 1000 का लगेगा। दैट इज द सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि भैया एक सेक्शन होती है ATAC, और ATAC ये बोलती है कि अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो जो भी तुम्हारे लॉसेस है वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो जो भी तुम्हारे अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया, एटी तो यही बोलती है कि अगर मान लो आपने लेट रिटर्न फाइल किया और पीजीबीपी कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये सेक्शन 80 बोलती है। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन और होती है ATAC, और ATAC ये बोलती है कि भैया अगर मान लो आप इनकम बेस्ड डिडक्शन ले रहे हो, जैसे ATI, ATIB, ATIC, ATID एंड ऑल दैट, इनकम बेस्ड अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, अगर आपको जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, आपका रिफंड का केस है और रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया तो आपका इंटरेस्ट का जो पीरियड रहेगा दैट विल कमेंस फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। जो रिफंड के इंटरेस्ट का पीरियड है एज पर सेक्शन 244A दैट विल बी कमेंस फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बोलो आपको, मैंने 5 कॉन्सिक्वेंसेस समझाए। एक और कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको 144 का असेसमेंट हो सकता है। 144 इज अ बैड जजमेंट असेसमेंट, वो कभी भी आपका बैड जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। तो 6 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो। तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया 234A का इंटरेस्ट लग सकता है, 234F का आपको क्या लग सकता है, फीस लग सकता है। अगर आपका लॉस का केस है पीजीबीपी कैपिटल गेन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज तो वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इनकम बेस्ड डिडक्शन है तो वो इनकम बेस्ड डिडक्शन आप नहीं ले सकते। एज वेल एज द रिफंड का इंटरेस्ट है तो वो रिफंड का इंटरेस्ट है वो 1 अप्रैल से काउंट नहीं होगा, फिर जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे या टैक्स पेमेंट करोगे विच एवर इज लेटर वाला डेट है वहां से काउंट होगा, और आपके ऊपर बैड जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। ये 6 कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ हो सकते हैं अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। उसके बाद हम चलते हैं 139(5) पे, दैट इज द रिवाइज रिटर्न। कि सर अगर हमने पहले रिटर्न फाइल किया था उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, ओमिशन हो जाती है, तो क्या हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले रिटर्न फाइल किया था वो 139(1) में किया था, 139(3) में किया था, 139(4) में किया था, आप उसको रिवाइज कर सकते हो 139(5) में। सर रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है? वही वाला टाइम लिमिट है जो 139(4) का था, दैट इज एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। सर कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह उठते टाइम, सुबह चाय पीते टाइम, आफ्टरनून खाना खा
खाते टाइम, शाम को नींद नहीं आ रही है तब, वो अगर मान लो रिप्लाई नहीं कर रही है तब, जब आपकी मर्जी आए तब आप रिवाइज कर सकते हो, बट वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अब एक और चीज समझना सर, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज होता है? आंसर इज यस, बिलेटेड रिटर्न है वो भी रिवाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो तो हर चीज रिवाइज की ली जाएगी, लेकिन उसका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो ओरिजिनल का लिया जाएगा। मींस व्हेनेवर यू फाइल द रिवाइज रिटर्न, दैट एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड बाय द रिवाइज रिटर्न बट एक्सेप्ट द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद अपन चलते हैं 139(9) पे, दैट इज द डिफेक्टिव रिटर्न। अब एक चीज समझना, आपने कोई रिटर्न फाइल किया लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या हो सकता है? या तो आपने प्रॉपर एनेक्चर में एनेक्चर फिल नहीं किए, प्रॉपर फॉर्म में फाइल नहीं किया, आपने टैक्स पे किया था उसका चालान नंबर आपने नहीं लगाया करके, ठीक है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी वो आपने नहीं लगाई, तो उस केस में क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव बना सकते हैं, और डिफेक्टिव बनाने के बाद आपको नोटिस मिलेगा और आपको नॉर्मली 15 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप इस डिफेक्ट को सुधार दो। आपको चाहिए तो एक्सटेंडेड टाइम यहां पे मिल सकता है, और विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। अगर आपने वो डिफेक्ट को नहीं सुधारा तो आपका रिटर्न है वो इनवैलिड माना जाएगा, और इनवैलिड रिटर्न का मतलब होता है जैसे रिटर्न आपने फाइल किया ही नहीं है। उसके बाद 139(4)A ये बोलता है ट्रस्ट का रिटर्न, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, सर क्या उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। देखो ट्रस्ट का जो इनकम है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, मींस 11-12 का एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला इनकम, इफ दैट इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो ट्रस्ट को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, उनका इस साल का इनकम मान लो 500 करोड़ है, और 500 करोड़ की इनकम पे पूरा एग्जेम्पशन मिल गया अंडर सेक्शन 11 एंड 12, तो बेटा यहां पे जीटीआई तो कुछ आई नहीं, लेकिन क्या इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, बिकॉज बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 देयर इनकम इज 500 करोड़, दैट इज मोर देन 2,50,000, सो दे हैव टू फाइल द रिटर्न, कंपल्सरीली दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। अब एक और चीज समझना, तो मैंने क्या बोला, बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन उनका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या रहेगा? नॉर्मली इनकी ऑडिट होती है और ऑडिट होगी तो 31 अक्टूबर ड्यू डेट रहेगा। अगर इन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया तो क्या होगा? तो लेट रिटर्न फाइल किया तो एक तो 234F का जो फीस है 5000 10000 1000 वो लग सकता है, और उसके साथ में यहां पे एक अलग तरीके की पेनल्टी और लगेगी, दैट इज द 272A का पेनल्टी लगता है, दैट इज पर डे का 100 रुपीज, मतलब जितने दिन का डिले है हर दिन का 100 रुपीज का पेनल्टी भी यहां पे लगता है। उसके बाद 139(4)B ये बोलता है पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न। सर पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। आंसर इज यस, बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A का एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला इनकम अगर उनका बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न। सर इनके लिए ड्यू डेट क्या होती है? इनकी भी ऑडिट होती है, 31 अक्टूबर को रहेगी। इन्होंने अगर लेट रिटर्न फाइल किया तो 234F का फीस लगेगा, दैट इज 5000 10000 और 1000 वाला। उसके बाद 139(4)C क्या बोलती है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है, कॉलेज ऐसी होती है, यूनिवर्सिटीज ऐसे होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है अंडर सेक्शन 10। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि उनको रिटर्न फाइल करना है या नहीं? आंसर इज यस, बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10, जो 10 का एग्जेम्प्शन लेते हैं वो 10 का एग्जेम्प्शन लेने से पहले वाला इनकम अगर उनका बेसिक एग्जेम्प्शन से ज्यादा है तो इनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऐसी हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, वेंचर कैपिटल कंपनी है, वेंचर कैपिटल फंड है, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट एंड कोर सेटलमेंट गारंटी फंड आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अगर बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्प्शन इनका इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना सर, इन्होंने अगर लेट रिटर्न फाइल किया तो एक तो 234F का आपको फीस लगेगा 5000 10000 1000, लेकिन इसके साथ साथ में यहां पे बेटा 272A का पेनल्टी भी लगेगा, पर डे 100 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। इनकी ऑडिट होती है या नहीं? आंसर इज नॉर्मली इनकी भी ऑडिट होती है, तो ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट सेक्शन इज 139(4)D। 139(4)D ये बोलता है कि जो भी तुम्हारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है जो साइंटिफिक रिसर्च में अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, दैट इज रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू नो दैट जब हम उनको डोनेशन देते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है 35 में, लेकिन क्या उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस बेटा, उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद 139(4)E बोलता है जो बिजनेस ट्रस्ट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, और जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड होता है इन्वेस्टमेंट फंड को भी अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला है, 139(4)A इज फॉर द ट्रस्ट, 139(4)B इज बेसिकली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, 139(4)C फॉर द सर्टेन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, म्यूचुअल फंड एंड ऑल, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड ऑल। एक बात बताओ, इन तीनों के लिए रिटर्न तभी फाइल करना है जब बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन इनका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन उनका इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है और तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड है, दे आर कंपल
कंपल्सरीली मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, उनको अपना रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन 140 पे, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न और यू कैन से दैट द साइनिंग ऑफ रिटर्न। सर किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, कौन साइन करेगा? तो मैं बताऊं, इंडिविजुअल का रिटर्न वो खुद करेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल है वो मान लो हैंडीकैप्ड है, वो कर नहीं पा रहा है, या फिर इंडिविजुअल जो है वो इंडिया के बाहर है, तो उसका रिटर्न कौन साइन कर सकता है? कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे जो कॉम्पिटेंट है वो रिटर्न को साइन या वेरीफाई कर सकता है। एचयूएफ का रिटर्न को वेरीफाई करेगा कर्ता, बट कर्ता अगर इंडिया में नहीं है या कर्ता है वो मेंटली डिसेबल है तो उस केस में कोई भी मेंबर कर सकता है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न है वो मैनेजिंग पार्टनर करेगा, कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर है वो माइनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी का रिटर्न है वो हमेशा डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, बट अगर मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है और एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब। ये एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब इसी साल बाय फाइनेंस एक्ट 2020 से निर्मला सीतारमण जी ने जोड़ा है। तो मैंने क्या बोला कि पार्ट जो एलएलपी होती है उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है या फिर कोई और पर्सन प्रिस्क्राइब है वो कर सकता है। कंपनी का रिटर्न मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर कर सकता है या फिर एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब, या एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब इसी साल से यहां पे भी डाला है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर करेगा, अगर कंपनी है उसका एप्लीकेशन आईबीसी में एक्सेप्ट हो गया, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो वहां पे जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेगा वो उसका रिटर्न है वेरीफाई करेगा। और उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ करेगा, लोकल अथॉरिटी का प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, और बाकी सब लोगों का जो पर्सन वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है दैट पर्सन विल वेरीफाई द रिटर्न। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है विद इन टाइम, वहां पे 120 डेज का टाइम रहता है, आपने देखा होगा वो वेरीफाई करने के लिए, ई वेरीफाई करने के लिए, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। और इनवैलिड का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, इनवैलिड का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं। अब एक चीज समझना, 139AA इज रिलेटेड टू द आधार नंबर, 139AA इज रिलेटेड टू द आधार नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में, 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में कभी भी आप कोई भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको अपना आधार लगाना मैंडेटरी है, इफ यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट द आधार। तो अगर आप आधार लेने के लिए एलिजिबल हो तो आपको अपना आधार नंबर लगाना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करना, जो भी तुम्हारा 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में आप या तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप अपना कोई भी रिटर्न फाइल करते हो एंड यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट द आधार, देन यू आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू कोड द आधार नंबर इन दैट रिटर्न और पैन एप्लीकेशन। लेकिन उस दिन तक अगर आपके पास आधार नंबर आया नहीं लेकिन आपके पास आधार का एक्नॉलेजमेंट आईडी है तो वो एक्नॉलेजमेंट आईडी भी आप लगा सकते हो। अब एक और चीज समझना, अगर आपके पास 1 जुलाई 2017 को ऑलरेडी आधार नंबर था, आधार नंबर जो पेन नंबर है, सॉरी 1 जुलाई 2017 को ऑलरेडी आपके पास पेन नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेन और आधार को लिंकेज करवाना पड़ेगा। उस पेन और आधार को लिंकेज करवाना पड़ेगा कब तक, जब तक गवर्नमेंट बोलती है, और गवर्नमेंट ने डेट दे रखी है और डेट हर साल बढ़ती जा रही है। अभी जो अभी के हिसाब से जो डेट है दैट इज द 31st मार्च 2021, टिल 31st मार्च 2021 तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आधार और पेन को लिंक करवाना पड़ेगा। तो दो चीजें ये सेक्शन बोलती है, पहली चीज ये बोलती है कि अगर आप 1 जुलाई 2017 है उसके बाद में या तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप रिटर्न फाइल करते हो आपको आधार नंबर लगाना मैंडेटरी है। लेकिन 1 जुलाई 2017 को आपके पास ऑलरेडी पैन नंबर है, यू हैव टू लिंक योर पैन नंबर विद द आधार नंबर। अब एक चीज समझना, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने जो पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन मैंने 139AA पढ़ाई ये चार लोगों पे नहीं लगेगी। सबसे पहला तो अगर कोई भी पर्सन है वो जम्मू कश्मीर मेघालय आसाम में रहता है, इफ एनी पर्सन इज रिसाइडिंग इन द जम्मू कश्मीर मेघालय आसाम, उस पर यह लिंकेज वगैरह वाली ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरा, अगर कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, या फिर कोई भी पर्सन नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस पर नहीं लगेगा। या कोई भी पर्सन ऐसा जिसका प्रीवियस ईयर में एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। क्योंकि जब आपका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो आपको अपने आप को लिंक करवाना है, वो भगवान से करवाना है, ना कि आधार और पैन को लिंक करवाना है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तो अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा हो चुकी है इन द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है कि आप ये बोल रहे हो कि अगर हमने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया तो हमारा जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन इनऑपरेटिव
कैसे होगा उसके लिए एक रूल है, दैट इज द 114AAA. लेकिन इस रूल में एक डेट का प्रॉब्लम है. डेट का प्रॉब्लम यह है कि ये रूल जब बनाया गया था तब पैन और आधार के लिंकेज का टाइम लिमिट 31 मार्च 2020 दे रखा था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया है. लेकिन रूल में अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो रूल को मैं ऐसे बताऊंगा 31 मार्च 2020 के हिसाब से बताऊंगा. अब एक बात समझते हैं, ये रूल ये बोलता है कि अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया टिल 31 मार्च 2020 तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा. अब एक चीज समझना, पैन नंबर इनऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी आपको पैन लगाना है, ऐसे कोई भी आप ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो या ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते हो जहां पैन नंबर लगाना है, अगर आपने वो पैन नंबर लगाया तो भी हम मानेंगे आपका, आपने पैन नंबर नहीं लगाया. हम ये मानेंगे कि आपने जो पैन नंबर है वो नहीं लगाया और उसके लिए आपके कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टीज वगैरह है वो लग जाएगी. मतलब जहां पैन लगाना था आपने लगाया भी वो पुराना पैन नंबर लेकिन वो इनऑपरेटिव हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया ये माना जाएगा आपने पैन कार्ड नहीं लगाया. और इन फ्यूचर में जाके अगर आप पैन और आधार को लिंक करवा देते हो तो जिस दिन आपने लिंक करवाया उस दिन से आपका जो पैन है वो वापस से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा. उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट सेक्शन इज 139A. 139 ये बोलती है कि भैया पेन नंबर किसको लेना है. 139A ये बोलती है कि पेन नंबर किसको लेना है. मैं बताऊं, पांच लोग ऐसे हैं जिनको पेन नंबर लेना मैंडेटरी है. पांच लोग ऐसे हैं जिनको पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पेन नंबर लेना मैंडेटरी है. सबसे पहला, अगर कोई भी पर्सन है उसका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो जाता है, कोई भी पर्सन है उसका इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा, या तो खुद का इनकम या किसी और का इनकम जो उसमें क्लब होने वाला है. जैसे मान लो मेरा कोई भी इनकम नहीं है लेकिन मेरे बेटे का इनकम है वो 4 लाख है जो मेरे हाथ में क्लब होने वाला है, तो उस केस में बेटा मेरा इनकम वो 4 लाख माना जाएगा और उस केस में मुझे पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, आपको पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन कब तक, 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, मींस अगले साल के 31 मई तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा. दूसरा, अगर प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट 5 लाख से ऊपर हो जाता है, आपको बेटा उसी ईयर के एंड तक टिल 31 मार्च है वो आपको पेन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको पेन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मैंडेटरी टिल 31 मार्च ओनली, टिल 31 मार्च ओनली. उसके बाद अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल को छोड़ के, अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है इंडिविजुअल को छोड़ के, मींस रेजिडेंट कंपनी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीआई एंड ऑल ये लोग है, अगर मान लो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में प्रीवियस ईयर में एंटर करते हैं और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एग्रीगेट वैल्यू 250,000 और मोर है, इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्रीगेट वैल्यू इज 250,000 और मोर, तो बेटा उनको अपने लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है. कब तक, 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर. अब एक चीज समझना, अगर वो पर्सन को मैंडेटरी है तो उनके जो भी पार्टनर रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे या फिर मेंबर रहेंगे, उनको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है. सो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैंने बोला पांच लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है. कौन कौन, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका प्रीवियस ईयर में इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो जाता है, खुद का या किसी और पर्सन का जो उसकी इनकम में इंक्लूड हो रहा है, दैट इज मोर देन 250,000, उनको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर. दूसरा, अगर मान लो आपका टर्नओवर और ग्रॉस एसेट इन द प्रीवियस ईयर मोर देन 5 लाख हो जाता है, आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मार्च ओनली. तीसरा, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है उनको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली. चौथा, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है रेजिडेंट इंडिविजुअल को छोड़ के, वो कोई क्या करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं और पूरे साल में जो एग्रीगेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो 250,000 और मोर है, तो उनको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ में उनके जो भी डायरेक्टर रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे, ऑथर रहेंगे, फाउंडर रहेंगे, कर्ता रहेंगे, मेंबर रहेंगे, उनको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर. अब उसके बाद में यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जहां पे बोला हुआ है आपको पैन नंबर लगाना पड़ेगा. इसको एक बार आप रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मोटर व्हीकल आप परचेज सेल करते हो टू व्हीलर को छोड़ के, तो आपको वहां पैन कार्ड लगाना पड़ेगा. अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा. आप अगर बैंक अकाउंट खुलवाते हो बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के, तो वहां पैन कार्ड लगाना पड़ेगा. 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाते हो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा. यहां पे एक लंबी लिस्ट दे रखी है. अब एक चीज समझना, यहां पे एक कांसेप्ट आता है कि पैन और आधार इज इंटरचेंजेबल. आप पेन की जगह आधार यूज कर सकते हो बट आधार की जगह पेन यूज नहीं कर सकते. यहाँ वर्ड इंटरचेंजेबल लिखना नहीं चाहिए था बट बेटा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही बोला था, इंटरचेंजेबल. अब एक चीज समझना, यहां पे कांसेप्ट ही आता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन. यहां पे कांसेप्ट ही आता है कि अगर मान लो आपके पास में आधार कार्ड है बट आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, दो लाइन बोल रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना. यू हैव आधार नंबर बट यू डोंट हैव द पैन नंबर, और कहीं कुछ आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें आपको पैन नंबर देना है,
कहीं पे आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहां पे आपको पैन नंबर देना है, आप पैन की जगह आधार नंबर दे दो, और जैसे ही आपने आधार नंबर दिया चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने पैन के लिए अप्लाई किया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके पास आधार नंबर है, पैन कार्ड नहीं है, कहीं पे आपको पैन कार्ड देना है, आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे दो, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और वो ऑटोमेटिकली आपको पैन कार्ड अलॉट कर देंगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के साथ में। देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट और आपको डायरेक्टली पैन कार्ड अलॉट कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आपका पैन और आधार दोनों लिंक हो चुका है, पैन और आधार ऑलरेडी लिंक हो चुका है, तो आप पैन की जगह आधार कार्ड कहीं पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और रूल ये बोलता है, रूल नंबर 114, कि अगर मान लो आपके पास में आधार नंबर है, आपके पास पैन नंबर नहीं है, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पैन कार्ड के लिए, और आजकल आधार के बेसिस पे आपको हाथों हाथ पैन नंबर भी मिल जाता है, विद इन 5 मिनट्स है वो आपको पैन नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास में आधार नंबर है, आपके पास पैन नंबर नहीं है, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन आप अप्लाई कर लो और आपको बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए आपको पैन नंबर है वो मिल जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि भैया 139(6)(a) एक सेक्शन होती है, 139(a)(6)(a) ये सेक्शन ये बोलती है कि भैया और गवर्नमेंट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नोटिफाइड कर सकती है कि वो ट्रांजैक्शन में या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपको पैन कार्ड कोट करना मैंडेटरी रहेगा। और उसके बाद में 139(6)(b) भी ये बोलती है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपने पैन या आधार नंबर डाला है वो आधार नंबर ट्रू है या नहीं है करके, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, उसके बाद पेनल्टी आती है, दैट इज द 272(b) की पेनल्टी। अब ये पेनल्टी ये बोलती है कि अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना था और आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। मींस यू हैव टू ऑब्टेन द पैन कार्ड बट आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। दूसरा, अगर मान लो आपके पास पैन कार्ड है लेकिन आपने क्या किया, कहीं पर फॉल्स पैन कार्ड कोट कर दिया, किसी ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड कोड करना था, आपने फॉल्स ट्रांजैक्शन कोड कर दिया, तो आपको 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट पेनल्टी लगेगा। या फिर अगर मान लो आपने क्या किया कि पैन कार्ड लगाया ही नहीं, मतलब पैन कार्ड लगाना चाहिए था किसी ट्रांजैक्शन में बट यू हैव नॉट सबमिटेड द पैन नंबर, इन दैट केस आपको 10,000 पर डिफॉल्ट का पेनल्टी लगेगा। उसके बाद में जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट उस पर्सन को चेक करना था कि आपने जो पैन लगाया है वो सही है या नहीं, अगर वो चेक नहीं कर पाया तो उस केस में उस पर भी 10,000 रुपए का पेनल्टी है वो लग जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 139(b), दैट इज अ TRP टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। अब एक चीज समझना, CBDT का एक स्कीम है कि भैया टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बना सकती है, CBDT है वो ऑथोराइज करती है बहुत सारे लोगों को कि आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बन सकते हो, मतलब जैसे CA इंस्टीट्यूट डिग्री देती है वैसे CBDT का एक एग्जाम होता है, और उसमें क्या होता है कि लोग है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर TRP बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहली चीज कि सर TRP के थ्रू रिटर्न कौन फाइल करवा सकता है, तो TRP के थ्रू रिटर्न है वो स्पेसिफाइड पर्सन कोई भी फाइल करवा सकता है, स्पेसिफाइड पर्सन मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न वो TRP के थ्रू रिटर्न फाइल करवा सकता है, लेकिन दो लोगों को छोड़ के। सबसे पहला कंपनी और ऑडिट पार्टी, कंपनी TRP के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं सकता, और ऑडिट पार्टी मतलब जिसका ऑडिट होता है इनकम टैक्स में या किसी और एक्ट में, तो वो TRP के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करवा सकता। अब क्वेश्चन ये आता है TRP कौन बन सकता है, एक चीज ध्यान रखना TRP हमेशा इंडिविजुअली बन सकता है, लेकिन चार लोग ऐसे हैं जो TRP नहीं बन सकते, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो TRP नहीं बन सकता, दूसरी अगर कोई भी तुम्हारा टैक्स एडवोकेट है वो TRP नहीं बन सकता, तीसरा जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर है वो TRP नहीं बन सकता, और चौथा अगर स्पेसिफाइड SSC का एम्प्लॉई है, मैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉई है कहीं और वो स्पेसिफाइड SSC का एम्प्लॉई है तो वो TRP नहीं बन सकता है करके, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 139(c) सेक्शन, वो ये बोलती है दैट इज द एनएक्चरलेस ROI, ये सेक्शन ये बोलती है कि CBDT के पास ये पावर है कि CBDT चाहे तो कोई भी ऐसा रिटर्न मंगवा सकती है जिसमें एनेक्चर वगैरह में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह अटैच करने की जरूरत नहीं। आज ऐसा ही होता है, आपको पता है जब अपन रिटर्न फाइल करते हैं वो ई रिटर्न फाइल करते हैं, आपने आज तक कभी ATC का रिसिट है वो ऐड किया क्या, या जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उसका क्या स्लिप आपने ऐड किया, आंसर इज नो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो आपका एनेक्चरलेस रिटर्न मंगवाया, लेकिन जब भी असेसमेंट आता है और असेसमेंट में आपसे अगर चीजें मंगवाई जाएगी तो आपको ले जाकर देनी पड़ेगी या नहीं, आंसर इज यस, असेसमेंट होता है और असेसमेंट में आपसे चीजें मंगवाई जाती है तो वहां पे आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में सेक्शन 140(a) ये बोलती है दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और ये सेक्शन ये बोलती है कि भैया जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा टैक्स आता है अलोंग विद द इंटरेस्ट अलोंग विद द फीस है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप रिटर्न है वो फाइल करोगे। मींस रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी तुम्हारा टैक्स है अलोंग विद इंटरेस्ट और फीस है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और वो पे करने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल करोगे। अब एक चीज समझना, आपने अगर मान लो टैक्स का शॉर्ट पेमेंट कर दिया तो पहले क्या एडजस्ट होगा,
अगर आपने टैक्स का शॉर्ट पेमेंट कर दिया तो उसमें सबसे पहले यह माना जाएगा आपने फीस पे किया है, उसके बाद माना जाएगा आपने इंटरेस्ट पे किया, और उसके बाद माना जाएगा आपने टैक्स पे किया है। आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे 1 लाख का टैक्स आउटस्टैंडिंग था, 10,000 का इंटरेस्ट था और 5,000 का फीस था, और आपने मान लो 60,000 का ही पेमेंट किया। सो आउट ऑफ 60,000 ये माना जाएगा 5,000 आपने फीस पे किया है, 10,000 आपने इंटरेस्ट पे किया है, और रिमेनिंग आपने मान लो 35,000 रिमेनिंग है, 35 or 45 व्हाटएवर रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने टैक्स का पे किया है। तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है वो वाला पार्ट के भैया एसएससी क्या करेगा। अब अपन इस टॉपिक में चालू करेंगे कि डिपार्टमेंट क्या करेगा। यस पीपल, अब अपन ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या करेगा। आपने रिटर्न फाइल किया, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा। सबसे पहली सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, और 142 सबसेक्शन 1 इसको मैं बोलता हूं रिया वाला नोटिस। रिया वाला नोटिस R फॉर रिटर्न, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड A फॉर अकाउंट। सो रिया वाला नोटिस दैट इज 142.1। अब एक बात समझना, 142.1 में दो पार्ट होते हैं, 142.1.1 एंड 142.1.2। 142.1.1 ये बोलता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के आपसे रिटर्न मंगवा सकता है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक 142.1.1 का नोटिस भेजता है और आपसे बोलता है कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए। 142.1.2 ये बोलता है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए या आपसे अकाउंट्स चाहिए तो उस केस में वो 142.1.2 का नोटिस भेजते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इंफॉर्मेशन कौन सी मंगवा सकते हैं? ऐसी असेट एंड लायबिलिटी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उससे रिलेटेड ही मंगवा सकते हैं, उसके अलावा ऐसी असेट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है उससे रिलेटेड भी मंगवा सकते हैं। राइट आंसर इज वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकते हैं उन असेट से रिलेटेड जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है उससे रिलेटेड भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को जेसी से परमिशन लेना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर असेट एंड लायबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उससे रिलेटेड नहीं है, कोई बाहर की इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो उससे रिलेटेड उसमें उसको जेसी का परमिशन लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है आपसे अकाउंट्स कितने पुराने मंगवा सकते हैं, तो अकाउंट्स आपको मैक्सिमम 3 साल पुराने मंगवा सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका असेसमेंट है, वो असेसमेंट इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का हो रहा है, तो उसके पीछे के 3 से आपसे अकाउंट्स है वो अकाउंट्स मंगवाए जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, रिया वाला नोटिस, रिया आर फॉर रिटर्न, आई फॉर इंफॉर्मेशन, ए फॉर अकाउंट। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी एसएससी है वो इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है, इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है, तो एक तो 272A का 10,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है, उसके साथ साथ में आपका बैच जजमेंट असेसमेंट है वो हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 142.2A दैट इज द स्पेशल ऑडिट, या इसको बोलते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट के लिए आपको डायरेक्शन देता है। और वो कब देता है, कैसे देता है, समझने की कोशिश करना। अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, या तो जेसी हो सकता है, एसीडीसी हो सकता है, या आईटी हो सकता है, और असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कर रहा है, और असेसमेंट करते करते इन ड्यूरिंग द असेसमेंट अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहां कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, या आपका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ ऐसे तरीका है, ये तरीके का है, या फिर डुप्लीकेशन ऑफ द एंट्रीज है, उस केस में क्या होता है, अगर उसको डाउट है आपकी बुक्स को लेकर, तो उस केस में वो आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन एक चीज समझना, स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देने से पहले असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, अपने अब्बू लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, मींस अपने बड़े लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, सीआईटी सीसीआईटी या फिर पीसीआईटी पीसीसीआईटी, उसमें से किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो डायरेक्शन दे सकता है। अब एक और चीज समझना, स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देने से पहले वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्यों ना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्पेशल ऑडिट कराई जाए। अब क्वेश्चन ये आता है, स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। लेकिन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन अपॉइंट करेगा, दैट इज द अब्बू लोग अपॉइंट करेंगे, सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी पीसीसीआईटी वो लोग हैं वो नॉमिनेट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। अब क्वेश्चन ही आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पगार कौन देगा, Who will pay the remuneration to the chartered accountant? Chartered accountant का जो भी remuneration है वो देगी central government. Central government के fund से chartered accountant का remuneration जाएगा। अब question ही आता है, special audit कितने time में करवानी है? तो special audit के लिए direction में time दे रखा होगा कि आपको special audit है वो 60 days में करानी है, 90 days में, 120 days में, whatever. लेकिन एक चीज समझना, suppose उतने दिन में नहीं हो पाती है तो क्या extension मिल सकता है? Answer is yes. या तो assessing officer है वो own motion extension दे सकता है, या फिर अगर assessee ने apply किया extension के लिए तो मिल सकता है, या chartered accountant ने अप्लाई किया तो भी एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल टाइम था या एक्सटेंडेड टाइम, दोनों मिला के कभी भी टाइम तुम्हारा जो है वो 180 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ द स्पेशल ऑडिट मैक्सिमम टाइम है वो 180 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक और चीज समझना, अगर स्पेशल ऑडिट में आप कोऑपरेट नहीं करते हो या स्पेशल ऑडिट नहीं करवाते हो तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर है वो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, और उसके साथ में आपको 272A का 10,000 रुपए का पेनल्टी है वो भी लग सकता है। अब एक और चीज समझना, स्पेशल ऑडिट में जो भी फाइंडिंग वगैरह निकलेगा उसके
उसके बाद में असेसमेंट में उसका इफेक्ट देने से पहले आपको एक बार असेसिंग ऑफिसर वापस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि ऑडिट रिपोर्ट में ये सब फाइंडिंग निकला है, तो क्यों ना मैं इसका इफेक्ट है वो आपके असेसमेंट में दे दूं, तो उसके पहले आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 142A। 142A ये बोलती है कि रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के पास आपका असेसमेंट पेंडिंग है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी प्रॉपर्टी की या किसी असेट की या किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालवानी है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपका केस है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। अब अगर उसने वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर किया तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, उसकी वैल्यू निकालेगा और वैल्यू निकालने के बाद अपनी रिपोर्ट है वो वापस असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा। लेकिन कब तक वो असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा, तो एक चीज समझना, यहां पे टाइम लिमिट है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच रेफरेंस वाज मेड बाय द वैल्यूएशन रेफरेंस वाज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। तो भैया 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच रेफरेंस वाज मेड बाय असेसिंग ऑफिसर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, वो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करेगा कि भैया वो वैल्यू निकालने के बाद में असेसिंग ऑफिसर को भेज देगा, और असेसिंग ऑफिसर उसको कंसिडर करना है या नहीं वो असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड करेगा, ये असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग नहीं होती है। अब एक और चीज समझना, उसके बाद एक नई सेक्शन और आई है, दैट इज द 142B, और 142B बोलती है फेसलेस इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन। अब एक चीज समझना, जो भी मैंने आपको सेक्शन पढ़ाई 142(1), दैट इज रिया वाला नोटिस, एक सेक्शन होती है 142(2), दैट इज क्रॉस कंफर्मेशन क्रॉस इंक्वायरी, एक सेक्शन 142(2A), दैट इज अ स्पेशल ऑडिट, 142(a), वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस। एक बात बताऊं, ये सब सेक्शन भी आगे जाके फ्यूचर में फेसलेस हो जाएगी, आगे जाके ये फेसलेस हो जाएगी, तो ये सेक्शन पावर देती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ऐसी स्कीम बना सकती है और इसमें ये जो सेक्शन अपन ने अभी पढ़ी वो फेसलेस हो जाएगी और उसमें फेसलेस आपका कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब चीजें यहाँ पे होने वाला है। अभी तक इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर में बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में दे रखा है, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट उस सेक्शन में पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 143(1), दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, या प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको बोलते हैं इंटीमेशन। अब एक चीज समझना, अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो हमेशा उसकी प्रोसेसिंग होगी सीपीसी बैंगलोर में, और बैंगलोर में वो रिटर्न को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें 5 तरीके के चेंजेस होते हैं। कितने तरीके के चेंज होते हैं? 5 तरीके। कितने तरीके के? 5 तरीके। सबसे पहला क्या होता है, अगर कोई अरिथमेटिक एरर है तो उसको सुधार दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम लिया है तो इनकरेक्ट क्लेम को भी सुधारा जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अरिथमेटिक एरर। अरिथमेटिक एरर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह, जैसे 2+2 5 किया तो उसको क्या करेंगे, 4 करेंगे, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एरर। सो अरिथमेटिक एरर को सुधार जाएगा, उसके बाद इनकरेक्ट क्लेम है उसको भी सुधार जाएगा। उसके साथ में तीसरा, अगर आपने किसी ईयर का लेट रिटर्न फाइल किया था, इस साल का नहीं, पहले किसी साल का, और उस ईयर का अगर लॉस था तो ऑब्वियसली लेट रिटर्न फाइल किया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन अगर वो आपने कैरी फॉरवर्ड करके इस ईयर में सेट ऑफ ले लिया तो हम उसको हटा देंगे। मींस अगर कोई भी ऐसा लॉस है जिस ईयर में वो लॉस इंकर हुआ था, उस ईयर का रिटर्न आपने लेट फाइल किया था, तो वो लॉस को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन लेते हो, दैट इज ATIA, ATIB, ATIAB, ATIC, ATID, ATIE ये और 10AA, अगर आप ये इनकम बेस्ड डिडक्शन लेते हो और उस केस में अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो वो डिडक्शन को क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। उसके बाद में एक और चीज समझना, कोई भी खर्चा है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउड किया था लेकिन आपके रिटर्न में डिसअलाउड नहीं किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउड किया था लेकिन आपने अपने रिटर्न में डिसअलाउड नहीं किया, तो यहां पे लाइक डिपार्टमेंट के पास में ये पावर है कि वो उसको डिसअलाउड कर देगा अंडर इंटीमेशन। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सबसे पहले मैंने बोला 5 चेंजेस हो सकते हैं। आपका जब भी रिटर्न फाइल होता है, सीपीसी बैंगलोर है वो इंटीमेशन जनरेट करती है, और इंटीमेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि 5 चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक एरर, दूसरा क्या, इनकरेक्ट क्लेम, तीसरा कौन सा, कि अगर मान लो कोई भी आपने लेट रिटर्न फाइल किया था और उसका उस ईयर का कोई लॉस था और वो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन ले रहे हो, ATIA, ATIB, ATIAB, ATIC, ATID, ATIE और 10AA का ये डिडक्शन लिया और अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डिसअलाउड किया था लेकिन आपने अगर रिटर्न में डिसअलाउड नहीं किया तो उसको डिपार्टमेंट क्या कर देगा, डिसअलाउड कर देगा। और ये 5 चीजें है वो चेंज करने के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा। अब एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपके ऑब्वियसली रिटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो सीधा क्या होता है, आपको फाइनल इंटीमेशन मिल जाती है। लेकिन यहां पे अगर मान लो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है तो आपको ऑनलाइन एक बार इंटीमेट किया जाएगा, और ऑनलाइन इंटीमेट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, आपसे बताया जाएगा कि हम ये चेंज कर रहे हैं, आपको अगर कोई रिप्लाई करना है तो कर लो, और आपको 30 डेज का टाइम रहता है
और 30 डेज में आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन आता है करके, ठीक है, जो चेंज है वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसका रीजन देना है, तो वो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, आपको इंटीमेट किया जाता है कि हम ये चेंज कर रहे हैं। अब एक बात समझना, 30 डेज के बाद में आप 30 डेज में जो भी आपने रिप्लाई किया या आपने रिप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनल इंटीमेशन जनरेट करेगा और फाइनल इंटीमेशन आपको भेज देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटीमेशन कब तक आती है, इंटीमेशन का टाइम क्या है, तो मैं बताऊं, इंटीमेशन हैज टू बी सेंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर है वो आपकी इंटीमेशन है, वो आपको मिल जाएगी। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर हर केस में इंटीमेशन आती है, नॉर्मली इंटीमेशन उस केस में आएगी जहां पे टैक्स पेबल आता है या रिफंड आता है, या ना टैक्स पेबल है ना रिफंड है, लेकिन अगर आपकी इनकम चेंज हुई है या लॉसेज चेंज हुए तो उस केस में भी आपको है वो इंटीमेशन आएगी। लेकिन एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में 100% केसेस में इंटीमेशन आती है। अगर आपको इंटीमेशन नहीं आती है तो जो भी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डीम टू बी एन इंटीमेशन, जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डीम टू बी एन इंटीमेशन। अब एक और चीज समझना यहां पर बेटा, सर अगर मान लो स्क्रूटनी का नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुका है तो भी क्या इंटीमेशन आएगी? आंसर इज यस। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 इट इज मैंडेटरी, अगर आपको स्क्रूटनी का नोटिस इशू हो चुका है इंटीमेशन से पहले तो भी इंटीमेशन आएगी, इंटीमेशन इज मैंडेटरी। लेकिन एक सेक्शन 241A है, उसमें ये पावर दे रखा है असेसिंग ऑफिसर को कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपका रिफंड रोक सकता है। अगर रिफंड का केस है तो आपको इंटीमेशन जनरेट होगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका स्क्रूटनी चालू हो चुका है तो स्क्रूटनी कंप्लीशन तक वो क्या कर सकते हैं, आपका रिफंड है वो रिफंड को विथहेल्ड कर सकते हैं, अपने पास रोक के रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 142, दैट इज स्क्रूटनी का नोटिस। अब एक चीज समझना, अगर डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले एक नोटिस सर्व करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 143(2). और मैं बता दूं 143(2) में नोटिस सर्व होना चाहिए, इशू नहीं, सर्व होना चाहिए। और टाइम लिमिट भी सर्व का है, और सर्व का टाइम लिमिट क्या है पता है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस सर्व होना चाहिए। अगर मान लो नोटिस सर्व उसके 6 महीने के बाद में होता है तो उस केस में वो आपका इनवैलिड नोटिस माना जाएगा। वैलिड नोटिस उसको बोलेंगे जो 6 महीने के अंदर अंदर सर्व हुआ है। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, कि लाइक नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) हैज टू बी सर्व विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। अब एक चीज समझना, आपको जैसे ही नोटिस सर्व हो जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट में, आप डिपार्टमेंट वगैरह जाते हो, आजकल तो फेसलेस असेसमेंट होता है, वो कैसे होगा क्या होगा आज ही अपन रिवाइज करने वाले हैं। अब एक चीज समझना, 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर आता है, तो असेसमेंट ऑर्डर कैसे बनेगा, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया, आपसे जो भी एविडेंसेस मंगवाया, खुद ने असेसिंग ऑफिसर ने एविडेंसेस है वो गैदर किया, उसके बाद में आपको पता है वो रिया वाला नोटिस में इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स वगैरह आपसे मंगवाए, उसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा 143(3) में। और 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर है वो पास करेगा, और उसमें जो भी आपका टैक्स पेबल आता है तो टैक्स पेबल निकालेगा, और टैक्स रिफंडेबल आता है तो रिफंडेबल निकालेगा। ये ऐसा एक पहला असेसमेंट है जिसमें आपको रिफंड भी हो सकता है, तो स्क्रूटनी में आपको रिफंड है वो रिफंड हो सकता है और उसके बाद में ये असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा। अब एक चीज समझना, होता क्या, मैंने आपको बताया 139(4C) बताया था, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको एग्जेम्पशन मिलती है 10th वाली। अब एक बात समझना, कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसने मान लो 1023(c) की एग्जेम्पशन मिलती है, और 1023(c) की वगैरह जो एग्जेम्पशन मिलती है वो कुछ कंडीशंस के साथ में मिलती है। जैसे ICI जो है अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनको मान लो 1023(a) की एग्जेम्पशन मिलती है, वो कुछ कंडीशन से मिलती है। अगर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा था और पता चला कि ICI ने कोई कंडीशन है वो वायलेट कर दी, तो क्या वो ICI का खुद ही एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकता है? आंसर इज नो। उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि ICI ने यहां पे कंडीशन का वायलेशन किया है, एंड ही हैज टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। वो नोटिफिकेशन अगर बोलता है कि इनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ करो तो वो एग्जेम्पशन विड्रॉ करेगा, और अगर वो नोटिफिकेशन बोलता है कि नहीं एग्जेम्पशन को कंटिन्यू करो तो उस केस में वो एग्जेम्पशन को कंटिन्यू करेगा। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कब तक ऑर्डर पास होता है, तो असेसमेंट ऑर्डर पास करने का जो टाइम लिमिट दे रखा है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 153(1), और 153(1) का टाइम लिमिट बोलता है कि असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) हैज टू बी पास विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन एक चीज समझना, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए अगर स्क्रूटनी असेसमेंट है तो उसके लिए टाइम लिमिट
था 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर असेसमेंट ईयर 18-19 से पहले वाले जो असेसमेंट ईयर है दैट इज 17-18 और उससे पहले वाले, तो वहां पे टाइम लिमिट हुआ करता था 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट दे रखा है 143(3) का, वो कहां दे रखा है 153(1) में, और 153(1) बोलता है असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, ये असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है या ऑर्डर को सर्व करवाने का टाइम लिमिट है? राइट आंसर इज ऑर्डर को पास करने का टाइम लिमिट है। तो ऑर्डर अगर मान लो 12 मंथ के अंदर अंदर पास हो गया तो वो वैलिड असेसमेंट कंप्लीशन माना जाएगा, भले ऑर्डर आपको सर्व हुआ वो 2-3 दिन बाद हुआ, 4 दिन बाद हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में ये फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड चीजें दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशन निकाल सकती है जिसमें आपका असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में होगा। अब एक बात समझना, यहां पर इन्होंने एक नई सेक्शन और डाली है इस साल से फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड, जो मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट फेसलेस असेसमेंट वाले चार्ट से हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट सेक्शन इज 144, दैट इज बैच जजमेंट असेसमेंट। बैच जजमेंट असेसमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बोला जाता है एक्स पार्टी असेसमेंट। अब एक चीज समझना, एक्स पार्टी असेसमेंट या बैच जजमेंट असेसमेंट कब हो सकता है? जब 4 में से कोई एक डिफॉल्ट हो। अगर 4 में से कोई डिफॉल्ट होता है तो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, एक्स पार्टी असेसमेंट हो सकता है। पहला, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), या 139(5), तो देखो 4 में से कोई एक डिफॉल्ट हुआ, या तो रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1), 139(4), 139(5) में, या फिर आपको रिया वाला नोटिस भेजा था 142(1) में, आपने कंप्लाई नहीं किया। स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था अंडर सेक्शन 142(2), आपने कंप्लाई नहीं किया। 143(2) में स्क्रूटनी का नोटिस भेजा था, आपने उसका कंप्लाई नहीं किया। इसमें से कोई भी अगर मान लो गलती हुई तो असेसिंग ऑफिसर आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। लेकिन एक चीज समझना, बैच जजमेंट असेसमेंट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर आपको एक बार शोकॉज नोटिस जरूर देगा। ही विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो आपको शोकॉज नोटिस देगा और शोकॉज नोटिस में ये बोलेगा कि आपने ये वायलेशन किया है, क्यों ना मैं आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर दूं। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने 142(1) का वायलेशन किया है तो उस केस में शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिना शो कॉज नोटिस दिए भी वो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट है वो कर सकता है। अब एक और चीज समझना, बैच जजमेंट असेसमेंट क्या वो आर्बिट्री मैनर या एडॉक बेसिस पे करेगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आपकी इनकम 100 करोड़, इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो। बैच जजमेंट असेसमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट है वो बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज के हिसाब से करेगा। वो क्या करेगा, पुराना तुम्हारा टर्नओवर है, लास्ट ईयर की इनकम है, या जीएसटी डिपार्टमेंट से टर्नओवर, जो उसके पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बेसिस पे वो आपका असेसमेंट है वो कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है 144 का जो बैच जजमेंट असेसमेंट है वो कंप्लीट कब तक करना है, तो वो कंप्लीट करने का टाइम लिमिट 153(1) में ही दे रखा है, और 153(1) बोलता है असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 इट वाज द 18 मंथ, और 17-18 और उसके पहले के असेसमेंट ईयर के लिए ये 21 मंथ हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 144(a). 144(a) ये बोलता है कि अगर मान लो आपका असेसमेंट है वो पेंडिंग है या तो एसीडीसी आईटीओ के पास में, किसके पास, एसीडीसी आईटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और आईटीओ, इसके पास में आपका असेसमेंट पेंडिंग है। अब एक बात समझना, इससे बड़ा असेसिंग ऑफिसर होता है जॉइंट कमिश्नर। अब असेसिंग ऑफिसर है वो आपका एसीडीसी आईटीओ है, अगर मान लो क्या होता है वो आपको परेशान कर रहा है ऑल लाइक दैट, ठीक है, तो आप है और वो बोल रहा है कि एक खर्चा डिसअलाउड होना चाहिए, वो डिसअलाउड कर रहा है बल्कि होना चाहिए अलाउ, बहुत सारी कोर्ट्स बोलती है वो अलाउ होना चाहिए लेकिन वो बोल रहा है डिसअलाउड होना चाहिए, तो अगर मान लो आपको प्रॉब्लम है तो असेसी है वो जेसी से एक एप्लीकेशन कर सकता है कि सर प्लीज आप अपने असेसिंग ऑफिसर, जो लोअर असेसिंग ऑफिसर है उसको डायरेक्शन दो और उसको बताओ कि ये खर्चा ऐसे अलाउ होना चाहिए। या फिर क्या होता है, बहुत बार असेसिंग ऑफिसर जो है एसीडीसी आईटीओ है उनको खुद को किसी पॉइंट पे डाउट है तो वो अपने सीनियर असेसिंग ऑफिसर दैट इज जेसी को रेफर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मैटर पे हम क्या करें, या कभी कभी क्या होता है जेसी ओन मोशन भी उनको डायरेक्शन दे देता है। अब एक चीज समझना, वो डायरेक्शन देता है पर्टिकुलर असेसमेंट के कैसे यहां पे कोई खर्चा है वो अलाउ करना है, डिसअलाउड करना है, समथिंग लाइक दैट। अब एक चीज समझना, जो भी जेसी के डायरेक्शन है वो आप मुझे बताओ एसीडीसी आईटीओ पे बाइंडिंग होंगे या नहीं, आंसर इज यस। सो व्हाट एवर डायरेक्शन ऑफ द जेसी दैट शुड बी बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर, वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो जेसी कोई ऐसा डायरेक्शन दे रहा है जो असेसी के लिए हार्मफुल है, मींस प्री judicial to the interest of assessee, तो assessee को एक बार opportunity of being heard देने के बाद ही वो direction दे सकता है। Next section is 144C. 144C is very interesting section and there is one amendment in this particular section. 144C is a reference to the dispute resolution panel, या जिसको अपन reference to the DRP बोलते हैं। अब एक चीज समझना, अगर एक असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है दो लोगों का, किसका, या तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का,
किसी भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का उनकी इनकम या तो बढ़ा रहा है या लॉसेस को कम कर रहा है, मीन्स कुछ भी ऐसा वेरियंस कर रहा है जो कि हार्मफुल है किसके लिए, असेससी के लिए। तो समझना, अगर असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है किसी भी फॉरेन कंपनी का या नॉन रेजिडेंट का, ये नॉन रेजिडेंट वर्ड इसी साल से जोड़ा गया, तो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का जिसका इनकम में वेरिएशन हो रहा है। अब एक चीज समझना, या फिर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट कर रहा है किसी और असेसी का जिसका केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से इनकम बढ़ रही है, लॉसेस कम हो रहा है, मींस कुछ ना कुछ असेसी के साथ हार्मफुल हो रहा है। तो दो केसेस कौन कौन से, या तो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का जिसका इनकम है वो बढ़ा रहा है या लॉसेस को कम कर रहा है, या फिर किसी और असेसी का केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से आपका इनकम बढ़ रहा है, लॉसेस कम हो रहा है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर है वो असेसी को पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा, वो पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा, और जैसे ही ड्राफ्ट ऑर्डर आपको मिल जाता है आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्टेंस दे दो या फिर आप ऑब्जेक्शन कर दो। अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर बना के आपको भेज देगा। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दो जगह करना पड़ेगा, एक तो असेसिंग ऑफिसर को और दूसरा डीआरपी को, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में कौन होता है, तीन सीआईटी का टीम रहता है, देयर आर थ्री सीआईटी, और वो तीन सीआईटी का टीम रहता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में रहता है। अब एक बात समझना, वो थ्री सीआईटीज क्या करेंगे पता है, कि जो भी आपका ड्राफ्ट ऑर्डर था आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन मंगवाएंगे, आपसे एविडेंसेस मंगवाएंगे, वो खुद भी एविडेंसेस गैदर करेंगे और वो सबके बेसिस पे अपने डायरेक्शन देंगे असेसिंग ऑफिसर को। मींस हियर डीआरपी विल गिव डायरेक्शन टू द असेसिंग ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तू अपना फाइनल ऑर्डर बना, और जैसे ही डायरेक्शन है वो असेसिंग ऑफिसर के पास में आया, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एओ क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर बना के असेसी को भेज देगा। अब एक चीज समझना, सर मान लो ऐसा कोई असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया विद द डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी और असेसी से उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्वेश्चन ही आता है असेसी कहां अपील में जाएगा, क्या सीआईटी अपील में जाएगा? आंसर इज नो, असेसी हमेशा आईटेट में जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो दिए है वो डीआरपी ने दिए और डीआरपी सीआईटी लेवल के बंदे है और उनके डायरेक्शन की वजह से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो ऑब्वियसली अपील है वो सीधा आईटेट में जाएगा, ट्राइब्यूनल अपील होगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर डायरेक्शन जब देगा डीआरपी, क्या डीआरपी हार्मफुल डायरेक्शन दे सकता है? जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि असेसी ने रिटर्न फाइल किया था फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट ने 10 लाख इनकम बताया था, एओ ने 20 लाख किया, क्या डीआरपी 20 लाख को कंफर्म कर सकता है? आंसर इज यस। 20 लाख का 15 लाख कर सकता है? आंसर इज यस। क्या 20 लाख का 25 लाख कर सकता है? क्या डीआरपी बोल सकता है नहीं नहीं इसका इनकम तो 25 लाख होना चाहिए? मींस कैन डीआरपी एनहांस द असेसमेंट? आंसर इज यस, डीआरपी के पास ये भी पावर है, डीआरपी असेसमेंट को एनहांस भी कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि डीआरपी के जो भी डायरेक्शन रहेंगे आप ही बताओ वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होने चाहिए या नहीं? आंसर इज यस, वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होंगे। तो जो भी डीआरपी के डायरेक्शन है दैट इज टोटली बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर। अब एक और चीज समझना, सर टाइम लिमिट क्या है ये सबका? तो देखो बेटा, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा, जिस डेट को ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को रिसीव हुआ विद इन 30 डेज आइदर असेसी हैज टू एक्सेप्ट और असेसी हैज टू ऑब्जेक्ट। Within 30 days from the date of receipt of draft order, either assessee has to accept or assessee has to object. अब एक बात बताओ, 30 days में अगर assessee ने acceptance दे दिया या फिर 30 डेज एक्सपायर हो गए बट ही हैज नॉट एक्सेप्टेड और ऑब्जेक्टेड, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज द एक्सेप्टेंस ओनली। अब एक चीज समझना, तो भैया जैसे ही एक्सेप्टेंस दिया या फिर जिस मंथ में 30 डेज कंप्लीट हो गए और उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया, ऑब्जेक्शन नहीं आया, उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। मैंने क्या बोला, विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस वॉज गिवन बाय असेसी और दैट 30 डेज वॉज एक्सपायर बट असेसी हैज नॉट सबमिटेड एनी रेस्पॉन्स, इन दैट केस विद इन वन मंथ उसके बाद, जैसे वो मंथ कंप्लीट हुआ उसके वन मंथ के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर है वो पास कर देगा असेसिंग ऑफिसर। लेकिन अगर मान लो असेसी ने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, तो असेसी ने ऑब्जेक्ट किया तो कहां पे किया, डीआरपी को किया। अब एक बात समझना, डीआरपी हैज टू गिव द डायरेक्शन टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर वाज फॉरवर्डेड। तो जिस मंथ में ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ था उस मंथ के एंड से 9 मंथ के अंदर अंदर डीआरपी डायरेक्शन देगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को, और जिस मंथ में डायरेक्शन असेसिंग ऑफिसर को मिला उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर है वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अब एक चीज समझना, यहां पे पॉइंट नंबर 11 में एक अमेंडमेंट ये है कि भैया आगे जाके ये भी सब फेसलेस हो जाएगा, जो डीआरपी के पास आप जाते हो और डीआरपी वाला पार्ट है वो भी फेसलेस हो जाएगा, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक कोई नोटिफिकेशन है नहीं है, सो दिस पार्ट इज नॉट मोर इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज 145 सबसेक्शन 1, ये बोलता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सर कौन सी मेथड फॉलो करनी है इनकम टैक्स में? तो मैं बताऊं, देखो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सैलरी के लिए, कैपिटल गेन के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मेथड, बट पीजीबीपी आईएफओएस के लिए यू कैन फॉलो द कैश मेथड और मर्केंटाइल, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आप जो चाहे वो मेथड फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में 145(2) बोलता है आईसीडीएस, यहां पे इनकम टैक्स में 10 आईसीडीएस है, अगर आप आईएफओएस
और पीजीबीपी के लिए मर्केंटाइल मेथड फॉलो करते हो तो आपको आईसीडीएस लगेगा। आईसीडीएस ऑल एसएससी को लगता है, लेकिन एक चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स ऑडिट नहीं होता तो उस पर आईसीडीएस नहीं लगता, इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स ऑडिट नहीं होता तो उन पे आईसीडीएस नहीं लगता, बाकी सब पे आईसीडीएस लगता है। अब एक और चीज समझना, 145(3)A बोलता है कि तीन केसेस ऐसे है जिसमें असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है बैच जजमेंट के मैनर में, मींस बैच जजमेंट असेसमेंट जैसे आपका असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है। कौन से केसेस में? तीन केसेस में। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंप्लीट नहीं है या करेक्ट नहीं है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, करेक्ट नहीं है, या फिर आप आईसीडीएस फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर है वो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट जैसे असेसमेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है 145(a), नेक्स्ट सेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस। अब एक बात बताओ, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करना है? तो आप ध्यान रखना, इन्वेंटरी में हमेशा इन्वेंटरी का वैल्यूएशन आप करोगे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन एक चीज समझना, अगर वो शेयर एंड सिक्योरिटी है आपके पास, तो शेयर एंड सिक्योरिटी है तो उसमें आपको देखना है लिस्टेड एंड कोटेड शेयर है क्या। अगर लिस्टेड एंड कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी तो आप उसको वैल्यू करोगे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अगर मान लो वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो उस केस में उसको वैल्यू करोगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसी पे वैल्यू करोगे। तो मेरी तरफ देखो, सबसे पहले आपका स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, तो दो पार्ट, पहले शेयर एंड सिक्योरिटी है स्टॉक में, तो शेयर एंड सिक्योरिटी है तो उसमें देखना है कोटेड एंड लिस्टेड है तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, अनकोटेड है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे आपको करना है, और जो भी तुम्हारा अदर स्टॉक होता है शेयर एंड सिक्योरिटी को छोड़ के उसका वैल्यू होता है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब सिक्योरिटी में आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर करोगे ना, तो यहां पे आपको कैटेगरी वाइज कॉस्ट लेना है, मींस कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करना है, आपको स्क्रिप्ट वाइज नहीं करना। जैसे मान लो मेरे पास 5 कंपनियों के इक्विटी शेयर है, तो भैया 5 कंपनियों की इक्विटी शेयर एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, तो मुझे जो हर कंपनी का शेयर का है वो हर कंपनी का शेयर का कॉस्ट और एनआरवी मुझे कंपेयर नहीं करना है, मुझे सब कॉस्ट की टोटल लगानी है, टोटल और टोटल एनआरवी मींस कैटेगरी, इक्विटी शेयर इज वन कैटेगरी, तो इक्विटी शेयर की टोटल कॉस्ट और एनआरवी है उसको कंपेयर करना है अंडर इनकम टैक्स। अब एक और चीज समझना, जो सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स वगैरह रखती है उसके लिए आपको आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और आरबीआई जैसा बोलेगा वैसे उसको वैल्यू करना है। अब एक और चीज समझना, जब भी आप स्टॉक की बात करते हो इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप परचेस की बात करोगे, सेल्स की बात करोगे, हमेशा स्टॉक की बात करोगे, हमेशा आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस फॉलो करना पड़ेगा। देखो टैली में तो क्या होता है, आप जो टैली में तो जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज है उसको सीधा बैलेंस शीट में ले जाते हो, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखना टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो आपको इंक्लूसिव ऑफ लेना पड़ेगा, इसका मतलब आपको पीएनएल के थ्रू है वो रूट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 145(b). 145(b) इज रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम। कुछ इनकम है वो स्पेसिफिक टाइम पे टैक्सेबल होती है। पहला, अगर आपको मान लो कोई भी लेट कंपनसेशन मिलता है ऑन द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, और लेट कंपनसेशन मिलता है और उस पर इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो इंटरेस्ट मिल रहा है, मींस एक तो IFRS में टैक्सेबल होगा और वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में वो मिल रहा है, भले आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो। तो मैंने क्या बोला, लेट कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, वेदर यू फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 50% इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, 50% इंटरेस्ट है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना बेटा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, क्वेश्चन ये आता है कि जो भी तुम्हारा एस्केलेशन क्लेम है, अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लेम है या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? तो आपका एस्केलेशन क्लेम या एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको रीजनेबल सर्टेनिटी मिल जाती है उसकी रिकवरी के। रीजनेबल सर्टेनिटी अगर अचीव हो गई रियलाइजेशन की तो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको मिलता है उस ईयर में, या जिस ईयर में उससे रिलेटेड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल और received whichever is earlier। तो मैं क्या बोला, government grant will be taxable in the year in which it is actually received or accrual whichever is earlier है वो earlier basis पे taxable हो जाएगा। Now we are going to start with the next section, that is the income escaping assessment, section 147। अब एक बात समझना, section 147 क्या बोलती है कि अगर assessing officer है और वो assessing officer के पास में अगर ये reason to believe है कि आपकी कोई income escape हो गई है, अगर आपकी कोई income है वो escape हो गई है assessment होने से, तो उस case में क्या होता है, वो income escaping assessment में आपका case खोल सकता है। यहाँ पे income escaping assessment या फिर reassessment या reopening of cases भी बोलते हैं। तो देखो, assessing officer के पास में ये reason to believe है कि आपकी income escape हो गई है, तो उस case में वो आपको एक section
148 का नोटिस भेजेगा और नोटिस भेज के बोलेगा कि भैया आप 148 के रेस्पॉन्स में आप अपना रिटर्न फाइल करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है, तो रीजन टू बिलीव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बेसिस पे एओ को लगता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है, स्ट्रॉन्ग रीजन के बेसिस पे, क्या रूमर्स के बेसिस पे या गॉसिप के बेसिस पे या सस्पेशन के बेसिस पे 147 हो सकता है? आंसर इज नो, रूमर्स गॉसिप या सस्पेशन के बेसिस पे 147 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ में एक और चीज समझना, अगर चेंज इन ओपिनियन हो जाता है, एओ का ओपिनियन पहले कुछ अलग था लेकिन अब उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है तो क्या 147 हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। यहां पे स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए और रीजन टू बिलीव है और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग रीजन है, उसके बेसिस पे उसको लगता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है, तो उसी केस में आपका वो 147 है, उसमें केस खोल सकता है। तो देखो 147 में क्या होता है कि अगर उसको लगता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है, उसके पास रीजन टू बिलीव है, सबसे पहले वो रीजन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा रीजन को, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको 148 का एक नोटिस भेजेगा और बोलेगा 148 के रेस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने पहले रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी क्या हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। उसके बाद में एक और चीज समझना कि सर जो उसने रीजन रिकॉर्ड किए थे क्या वो रीजन को सप्लाई करेगा साथ में, क्या वो रीजन है वो नोटिस के साथ में देगा? आंसर इज ना बाबा ना। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148, उसके बाद में आप रीजन मांगते हो तो असेसिंग ऑफिसर इज बाउंड टू सप्लाई दैट रीजन, असेसिंग ऑफिसर वो आपको रीजन सप्लाई करेगा बट ओनली आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148। अब एक और चीज समझना सर, रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है, या तो असेसिंग ऑफिसर के पास में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर कोई लेटर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया या फिर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ हो गया, वो रीजन टू बिलीव माना जाएगा। लेकिन कुछ चीजें और है जिसमें ये मान लिया जाएगा आपकी इनकम एस्केपिंग हुई है। सबसे पहला, आपकी इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर आपकी इनकम है उसका असेसमेंट हुआ है वो आपकी इनकम कम असेस हुई है, या लॉसेस है, डिडक्शन है वो ज्यादा दे दिए है, तो उस केस में मान लिया जाएगा आपकी इनकम एस्केप हुई है, या फिर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हुई है एट अ लोअर रेट, मींस जो मान लो 30% से टैक्स लगना चाहिए था वहां पे 15% से टैक्स लगा है, या फिर आपके इंडिया के बाहर कोई असेट मिल जाती है, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिस, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सीए का रिपोर्ट होता है 3CEB, वो आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है असेसिंग ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन विंग से अंडर सेक्शन 133C, अगर इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एओ को लगता है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आपकी इनकम है वो कम असेस हो गई या लॉसेस है वो ज्यादा दे दिए, तो उस केस में ये डीम टू बी इनकम एस्केपिंग का केस माना जाएगा, 147 में आपका केस है वो खुल सकता है। अब एक और चीज समझना ऑल पीपल, जैसे मान लो एक रीजन था, दैट इज रीजन वाज ए, और वो ए के रीजन के बेसिस पे आपका केस खुल गया 147 में, उसके बाद जब आपका असेसमेंट चल रहा था 147 में, उसमें और भी कोई इनकम मिल गई, और भी कोई इनकम मिल गई, तो क्या असेसिंग ऑफिसर सबको कंसीडर कर सकता है? आंसर इज यस, असेसिंग ऑफिसर है वो सबको कंसीडर कर सकता है, मींस एक बार केस खुल गया और बाकी जो इनकम मिल जाती है उन सबको असेसिंग ऑफिसर कंसीडर कर सकता है, उसके लिए कोई फ्रेश रीजन या फ्रेश नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज समझना यहां पे सर, क्वेश्चन ही आता है कि सर मान लो आपका असेसमेंट ऑर्डर आया था और वो असेसमेंट ऑर्डर का में चार मैटर थे और चार मैटर में से मान लो एक मैटर पे आप ऑलरेडी अपील में जा चुके हो, एक मैटर है वो सीआईटी अपील में जा चुका है या आईटेट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे पेंडिंग है या वहां पे कंक्लूड हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर को कोई इनकम एस्केपिंग मिल जाता है तो उस ईयर पे वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है या नहीं? तो एक बात बताऊं, यहां पे जब भी आप अपील या रिविजन में जाते हो तो वो वाले मैटर को एओ नहीं छेड़ सकता, मींस 147 में वो वाले मैटर को जो मैटर ऑलरेडी आहेर अथॉरिटी के पास जा चुका है उस वाले पर्टिकुलर मैटर को एओ नहीं छेड़ सकता, बट बाकी वाले मैटर पे अगर आपका इनकम एस्केपिंग हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर है वो 147 में आपको केस खोल सकता है। इस डॉक्ट्राइन को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, ये जो डॉक्ट्राइन होता है इस डॉक्ट्राइन को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, मींस जो मैटर आपका ऑलरेडी अपील में जा चुका है या अपील में कंसीडर हो चुका है, रिविजन में जा चुका है 263 264 में, उस मैटर को छोड़ के बाकी वाले ऑर्डर है वो असेसिंग ऑफिसर के साथ में ही माना जाता है और असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उस पे 147 है वो 147 कर सकता है। अब एक और चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर मान लो आपका कोई असेसमेंट था और असेसमेंट कंप्लीट हो गया था, वहां पे मान लो असेसिंग ऑफिसर को कुछ इनकम एस्केपिंग मिल जाती है, असेसिंग ऑफिसर को कुछ इनकम एस्केपिंग मिल जाती है और वो रीजन रिकॉर्ड करता है और वो रीजन के बेसिस पे केस खोल देता है आपका, रीजन के बेसिस पे केस खोल देता है, लेकिन मान लो वो रीजन इनवैलिड हो जाता है, रीजन है वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब जो रीजन था उस रीजन पे कोई भी एडिशन नहीं होता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को दूसरी इनकम मिल जाती है,
असेसिंग ऑफिसर जिस रीजन को लेके चले थे वो रीजन तो इनवैलिड हो गया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को कोई दूसरी इनकम मिल जाती है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है या फिर जो दूसरी इनकम मिली है उसको कंसिडर करने के लिए उसको फ्रेश रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फ्रेश नोटिस भेजना पड़ेगा। इसको लेके दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है, एक जजमेंट है जेट एयरवेज एज वेल एज द रेनबैक्सी का, और यहां पर हाईकोर्ट ये बोलती है कि भैया जो रीजन लेके चालू किया था असेसमेंट 147 जब वो ही इनवैलिड हो गया तो 147 नहीं हो सकता, अगर कोई दूसरी इनकम मिली है तो उसके लिए वापस से नया रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वापस से नया नोटिस भेजना पड़ेगा। लेकिन एक महक फिनवेस्ट एंड जी गोविंद राजू करके एक और केस लॉ है, और महक फिनवेस्ट और गोविंद राजू केस लॉ उसमें ये बोला हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मान लो जस्ट रीजन को लेकर चालू किया था वहां पर कोई एडिशन नहीं है बट अदर इनकम मिल जाती है तो यहां पर असेसमेंट 147 में कंप्लीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, 147 में असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है 148 का नोटिस कब तक इश्यू हो सकता है, तो मैं बता दूं 148 में ये लिखा हुआ है कि नोटिस हैज टू बी सर्व, नोटिस आपको सर्व करवाना पड़ेगा 148 का, 148 बोलती है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा, लेकिन टाइम लिमिट कहां दे रखी है 149 में दे रखी है, और 149 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि नोटिस हैज टू बी इशूड, यहां टाइम लिमिट इशू की दे रखी है, और इशू की टाइम लिमिट क्या है, नॉर्मल टाइम लिमिट इज 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, लेकिन अगर आपका इनकम एस्केपिंग 1 लाख और मोर देन 1 लाख है तो उस केस में क्या होगा, 6 ईयर का टाइम मिलेगा, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर कोई भी इनकम एस्केपिंग फॉरेन असेट से रिलेटेड है तो टाइम लिमिट हो जाएगा 16 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो देखो बेटा, नॉर्मल टाइम 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर आपका 1 लाख और मोर है इनकम एस्केपिंग तो 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर मान लो आपका जो है वो कोई फॉरेन असेट से रिलेटेड इनकम एस्केपिंग है तो उसमें 16 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और ये नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है। देखो 148 बोलती है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा, यस सर्व करवाना पड़ेगा, सर्व करवाना पड़ेगा, लेकिन टाइम लिमिट इशू का दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नोटिस इशू किया वो टाइम में किया, सर्व टाइम के बाद किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ नोटिस इशूड विद इन द टाइम लिमिट एंड सर्व आफ्टर द टाइम लिमिट देन इट विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड नोटिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैंने टाइम लिमिट क्या बोला, 4 ईयर 6 ईयर 16 ईयर, लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है उस टाइम लिमिट के, और कुछ एक्सेप्शन क्या है, पहला अगर किसी नॉन रेजिडेंट के एजेंट को नोटिस भेजा जा रहा है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसको नहीं, नॉन रेजिडेंट के एजेंट को नोटिस भेजा जा रहा है तो नोटिस का टाइम लिमिट रहेगा 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्या बोल रहा हूं, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक और चीज समझना, एक और होता है प्रोवाइजो टू सेक्शन 147, एक और एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपका असेसमेंट पहले हो चुका है अंडर सेक्शन 143(3) और 147, मींस आइदर स्क्रूटनी हो चुका है या 147 पहले हो चुका है। अब एक चीज समझना, पहले आपका 143(3) या 147 ऑलरेडी पहले हो चुका है, आपको जो रिटर्न फाइल करना था आपने रिटर्न फाइल कर दिया था और आपने हर चीज ट्रूली फुल्ली डिस्क्लोज कर दी थी, आपने हर चीज ट्रूली फुल्ली डिस्क्लोज कर दी थी और उसके बाद भी अगर आपका इनकम एस्केपिंग हो जाता है तो उसमें ऑब्वियसली गलती किसकी है, एओ की है, तो वहां पे मैक्सिमम 4 साल तक ही आपको नोटिस इशू हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, एक प्रोविजो होता है अंडर सेक्शन 147, वो ये बोलता है पहले आपका असेसमेंट हो चुका है 143(3) या 147 में, 143(3) या 147 में असेसमेंट हो चुका है, आपको रिटर्न फाइल करने का बोला था, आपने रिटर्न फाइल किया था, आपने हर चीज ट्रूली फुल्ली डिस्क्लोज की थी और उसके बाद भी आपकी इनकम एस्केपिंग हो जाती है तो मैक्सिमम नोटिस यहां पे 4 साल तक ही इशू हो सकता है। लेकिन एक चीज समझना, फॉरेन असेट से रिलेटेड कोई इनकम एस्केपिंग है तो ये प्रोविजो नहीं लगेगा, मींस फॉरेन असेट से रिलेटेड इनकम एस्केपिंग है तो आपका 16 ईयर्स तक नोटिस है वो इशू हो सकता है। अब एक और चीज समझना, एक और कांसेप्ट आता है, दैट इज द सेक्शन 150, दैट इज अनलिमिटेड टाइम लिमिट, मीन्स अनलिमिटेड टाइम लिमिट तक आपका नोटिस इशू हो सकता है, 50 साल पहले का इनकम एस्केपिंग है तो भी आज नोटिस इशू हो सकता है, कब, कौन से केसेस में, समझने की कोशिश करना। अगर किसी एक पर्सन के केस में सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर रिविजनल या किसी और कोर्ट का ऑर्डर आया, मान लो किसी एक पर्सन के केस में सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या रिविजनल ऑर्डर या किसी और कोर्ट का ऑर्डर आया और उसकी वजह से किसी और पर्सन की इनकम एस्केपिंग हुई है, उस फाइंडिंग और डायरेक्शन ऑफ दिस ऑर्डर की वजह से किसी और एसएससी की इनकम एस्केप हुई है तो वो किसी और एसएससी का केस खुल सकता है, कभी भी उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये नॉर्मली कब होता है, जब इनकम को किसी एक एसएससी की इनकम से हटा के और दूसरे एसएससी की इनकम में जोड़ना है, या फिर इनकम को किसी एक असेसमेंट ईयर से हटा के किसी और के असेसमेंट ईयर में, मतलब किसी एक असेसमेंट ईयर से हटा के किसी दूसरे असेसमेंट ईयर में जोड़ना है तो ये वाला सेक्शन लगता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हुआ क्या, मान लो 2007 का मेरी वाइफ का एक असेसमेंट हुआ था और उसको लेके मान लो क्या हुआ कि हम सीआईटी अपील में गए, फिर आईटेट में गए, आज आईटेट का ऑर्डर आया 2021 में और आईटेट बोलती है कि यहां पे 5 लाख की इनकम जो उनकी वाइफ में बता रखी है वो वाइफ की इनकम नहीं है, वो तो बीबी सर की इनकम है 2007-8 की, तो क्या वो मेरे 7-8 में जोड़ सकते हैं।
आंसर इज यस, मेरा 7-8 का केस आज 2021 में भी खुल सकता है क्योंकि फाइंडिंग डायरेक्शन की वजह से पता चला कि ये मेरी इनकम है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये आती है कि जो मेरी वाइफ का असेसमेंट जिस दिन कंप्लीट हुआ था, एओ ने असेसमेंट कंप्लीट किया था उस दिन, एओ ने ऑर्डर पास किया उस दिन, क्या मेरा 147 में केस खुल सकता था या नहीं? अगर मेरा 147 में केस खुल सकता था तो आज भी मेरा 147 में केस खुल सकता है। अगर उस दिन मेरा 147 में केस नहीं खुल सकता था तो आज मेरा 147 में केस नहीं खुल सकता है। अब एक और चीज समझना, यहां पे 148 का नोटिस भेजने से पहले, 147 में केस खोलने से पहले हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, हायर अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ता है, अपने अब्बू लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। अब किसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 147 का जो नोटिस, 148 का जो नोटिस भेज रहे हैं वो मान लो 4 साल के अंदर अंदर भेज रहे हैं, Within 4 years from the end of the relevant assessment year भेज रहे हैं। तो एक चीज समझना, अगर ITO ACDC notice भेज रहा है तो वो JC का approval लेगा, और अगर JC notice भेज रहा है तो किसी के approval की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर notice है वो 4 year के अंदर अंदर भेज रहा है, कौन भेज रहा है? ITO ACDC भेज रहा है, वो JC का approval लेगा, JC खुद भेज रहा है, किसी के approval की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एक और चीज समझना, अगर मान लो notice 4 year के बाद में भेज रहे तो यहाँ पे possible harassment आपका हो सकता है। तो 4 years के बाद में अगर notice भेज रहे और उसमें क्या होता है 1 lakh या उससे ज्यादा income escaping है तो ही 4 year के बाद में भेज, तो अगर 4 year के बाद में नोटिस भेज रहे हैं तो कोई भी असेसिंग ऑफिसर हो उसको अपने अब्बू लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? सीआईटी या फिर पीसीआईटी, सीसीआईटी या पीसीसीआईटी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो अप्रूवल लेने के बाद ही वो नोटिस भेज सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, जब भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है तो सर मान लो यहां पे जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर 13-14 की इनकम मिल गई, या मान लो 16-17 की इनकम है, तो उस पे लिए टैक्स रेट कौन से ईयर की लगेगी? करंट ईयर की, 16-17 की? राइट आंसर है 16-17 की, मींस रेस्पेक्टिव ईयर की टैक्स रेट लगेगी। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है दैट इज द 152-2, दैट इज द ड्रॉपिंग ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन ये आता है, ये ड्रॉपिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपका पहले असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका था और वो पहले असेसमेंट में क्या हुआ था, आपके बहुत सारी चीज ऐसी डिसअलाउड कर दी थी जो अलाउ होनी चाहिए थी, बट असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपरली असेसमेंट नहीं किया। अब आपकी कोई इनकम एस्केपिंग मिल गई, आपको 148 का नोटिस भेजा, आपने रिटर्न फाइल किया और कुछ इनकम एस्केपिंग मिली, लेकिन यहां पे आपको लगता है कि आप ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स भर चुके हो जिस पे आप भरने चाहिए थे, मींस ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स भर चुके हो, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट पे टैक्स भर चुके हो जितना लॉजिकली आपको भरना चाहिए था इंक्लूडिंग इनकम एस्केपिंग, मींस इनकम एस्केपिंग को आप इंक्लूड कर लेते और उस पे जो टैक्स भरना चाहिए था उससे ज्यादा पे आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो, तो उस केस में आप असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो कि सर हम ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स भर चुके हैं जो लॉजिकली हमको भरना चाहिए, अगर आपने असेसमेंट पहले प्रॉपर्ली किया होता तो लॉजिकली और हमको लेजिटिमेटली जो टैक्स भरना चाहिए था उससे ज्यादा पे हम टैक्स भर चुके हैं, तो हमारा केस जो है वो प्लीज आप ड्रॉप कर दो। तो यहां पे अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो ही मे ड्रॉप योर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है 147 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है? तो 147 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है वो दे रखा है आपके 153(2) में, और 153(2) बोलता है असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व, मींस 147 असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व, मींस जिस फाइनेंशियल ईयर में 148 का नोटिस सर्व हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपका 12 मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेगा, असेसमेंट कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर नोटिस 2019 से पहले सर्व हुआ था तो ये टाइम लिमिट है वो 9 मंथ हुआ करती थी, बट नाउ इट इज अ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। अब एक और चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है कि 147 जो होता है ना, 147 का 147 करने के लिए 148 का नोटिस आता है, जैसे ही आपको 148 का नोटिस मिलता है उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो। अब एक चीज समझना, रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट आपको 143(2) का नोटिस सर्व करता है, 143(2) का नोटिस सर्व करता है, 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस सर्व करता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न अंडर सेक्शन 148 वाज फाइल। तो 148 का रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको 143(2) का नोटिस मिल जाएगा, उसके बाद हियरिंग होगी और उसके बाद आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा, और असेसमेंट जब कंप्लीट होगा उस ऑर्डर के ऊपर लिखा होगा असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। उसके बाद एक नई सेक्शन आई है दैट इज द 151A, और 151A ये बोलती है कि जो भी अपन ने सेक्शन 147 में पढ़ा, 148 में पढ़ा, या 151 जो अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी एंड ऑल, आगे जाके ये सब है ये भी फेसलेस हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी द फेसलेस इन द फ्यूचर। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी, उसका नोटिफिकेशन लाएगी, अभी तक वो नोटिफिकेशन आपके लिए है नहीं, तो यहां पे ये सेक्शन को एज इट इज मैंने रिप्रोड्यूस कर रखा है, उससे रिलेटेड अभी तक नोटिफिकेशन है नहीं, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन 154, दैट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक।
अब एक चीज समझना, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी में ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटी इंक्लूडिंग द सीआईटी अपील भी, सीआईटी अपील इज ऑल्सो इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसने कोई ऑर्डर पास किया है या इंटीमेशन जनरेट की है, इंटीमेशन 143(1) वाली या टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन, तो अगर इंटीमेशन जनरेट की है या फिर कोई ऑर्डर पास किया है उसमें अगर मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसी मिस्टेक जहां पे टू प्लोजेबल व्यूज नहीं आ सकते, मीन ऐसी मिस्टेक जहां पे एक ही व्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड पे अगर मिस्टेक है तो उस केस में उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है। रेक्टिफिकेशन या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुओ मोटो कर सकता है, ओन मोशन कर सकता है, या एसएससी भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज समझना, रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वॉज पास। मैं क्या बोल रहा हूं, रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर शॉट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास, मीन जो ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। आपका कौन सी सेक्शन में, 154 में। सर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, क्या वो व्हाइटनर लगाएंगे या फिर ब्लैक कलर से पेन से काटेंगे, रेड कलर से? आंसर इज नो। जब भी रेक्टिफिकेशन होगा एक नया ऑर्डर पास होगा, रेक्टिफाइड ऑर्डर अंडर सेक्शन 154, और वो ऑर्डर के थ्रू आपका रेक्टिफिकेशन होगा। सर इसका कोई फॉर्म है या फीस है? आंसर इज नो, इसका कोई फॉर्म नहीं है, फीस नहीं है। आजकल आप ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कर सकते हो, सीधा ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाओ, वहां आपको 154 मिलेगा, वहां पे आप सीधा एप्लीकेशन कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, अगर एसएससी ने रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन किया है तो रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया है देन रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर वो 6 महीने में रेक्टिफिकेशन नहीं होता तो उस केस में वो डीम टू बी रेक्टिफाइड इन द फेवर ऑफ एसएससी मान लिया जाएगा, डीम टू बी रेक्टिफाइड इन द फेवर ऑफ एसएससी मान लिया जाएगा। लेकिन वो एप्लीकेशन वो 4 ईयर के अंदर अंदर होनी चाहिए, जो 4 ईयर का टाइम लिमिट है वो 4 ईयर के अंदर अंदर एप्लीकेशन हुई है तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाय डिपार्टमेंट आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो रेक्टिफाइड ऑर्डर है उससे अगर मान लो रेक्टिफाइड ऑर्डर है और वो रेक्टिफाइड ऑर्डर में भी मिस्टेक हो गई, रेक्टिफिकेशन करवाया रेक्टिफाइड ऑर्डर में भी मिस्टेक है, क्या वापस उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं? आंसर इज यस, वापस उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। लेकिन सर यहां पे टाइम लिमिट क्या मिलेगा, जो ओरिजिनल वाला 4 ईयर या फ्रेश 4 ईयर का टाइम लिमिट मिलेगा? राइट आंसर इज यहां पे आपको फ्रेश 4 ईयर का टाइम लिमिट मिलेगा, बिकॉज रेक्टिफाइड ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ऑर्डर, और रेक्टिफाइड ऑर्डर जब पास हुआ उससे 4 ईयर का टाइम लिमिट है वो आपको वापस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन इज 156 इज रिलेटेड टू डिमांड नोटिस। ये सेक्शन ये बोलती है कि जब भी आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट कंप्लीशन होने के बाद में कोई भी अगर डिमांड निकाली जाती है तो डिमांड हमेशा एक नोटिस आता है, डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। वो डिमांड नोटिस जिस दिन आपको मिलता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिमांड पे करनी पड़ती है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है, और एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है तो 31st डे से आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 220, और आपको 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट का क्या लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है। 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट का आपको पेनल्टी लग सकता है। अब एक और चीज समझना, अगर आपको इंटीमेशन आई है अंडर सेक्शन 143(1) या फिर टीडीएस टीसीएस का इंटीमेशन है, तो उस केस में आपको कभी भी डिमांड नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटीमेशन विल बी ट्रीटेड एज डीम टू बी एन डिमांड नोटिस। तो जिस दिन आपको इंटीमेशन मिल जाता है वो डीम टू बी ए डिमांड नोटिस माना जाता है, और आपको 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। सेक्शन 157A ये बोलती है कि भैया जो ये रेक्टिफिकेशन वगैरह जो 154 का है या फिर जो ये डिमांड नोटिस वगैरह है, इन फ्यूचर जाके क्या होगा, ये सब फेसलेस हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी द फेसलेस। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी, और वो स्कीम किसके लिए बनाएगी, ग्रेटर एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। अभी तक इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा देन इट विल बी रिलेवेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव असेसमेंट। ये क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, किसी असेट को लेकर ओनरशिप डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे मेरे और मेरे भाई में डिस्प्यूट हो गया किसी असेट को लेकर, तो वो ओनरशिप डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन मान लो उससे कोई इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है, तो हम कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट क्या करता है, वो रेंट अपने पास में ले लेता है। कोर्ट है वो रेंट हमको किसी को नहीं मिलता है, कोर्ट अपने पास में लेता है, कोर्ट एफडी बना देता है। ठीक है, अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है रेंटल इनकम जो आ रही थी वो किसके हाथ में असेस करे, मेरे हाथ में या मेरे भाई के हाथ में? तो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो दोनों के हाथ में ऐड करता है, वो जो रेंटल इनकम है वो दोनों के हाथ में ऐड करता है। ऑन द प्रोटेक्टिव बेसिस वो असेसमेंट ऑर्डर में लिखता है कि दिस अमाउंट इज एडेड ऑन द प्रोटेक्टिव बेसिस, वो प्रोटेक्टिव बेसिस दोनों के हाथ में ऐड करता जाता है, मेरे हाथ में, मेरे भाई के हाथ में। मान लो 20 साल के बाद में डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है, वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है, तो जब वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी असेसमेंट तो कर चुका है, प्रोटेक्टिव बेसिस पे इनकम भी ऐड कर चुका है, मेरे से टैक्स का रिकवरी कर लेते हैं जब वो डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है। लेकिन जब तक डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता है उस पर टैक्स का रिकवरी किसी से नहीं होता, ना तो मेरे से ना मेरे भाई से, दैट इज कॉल्ड योर प्रोटेक्टिव असेसमेंट। उसके पास इनकम टैक्स अथॉरिटी का एक चार्ट दे रखा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं इन द क्लास ऑल्सो। इनकम टैक्स अथॉरिटी में सबसे ऊपर कौन होता है, दैट इज द सीसीआईटी या पीसीसीआईटी, दैट इज योर असेसमेंट विंग। उसके नीचे सीआईटी या पीसीआईटी, उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के लेवल का एक बंदा होता है, दैट इज द एडिशनल कमिश्नर।
उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके नीचे आईटीओ, उसके नीचे तुम्हारा टीआरओ और इंस्पेक्टर है, वो लोग होते हैं। ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन विंग और होती है, इन्वेस्टिगेशन विंग में सबसे ऊपर ऑफिसर रहता है, दैट इज द डीजीआईटी और पीडीजीआईटी, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे डीआईटी और पीडीआईटी, उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, और उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ये तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन विंग के ऑफिसर होते हैं। अब एक सेक्शन होती है 119A, दैट इज द टैक्स पेयर चार्टर, ये इसी साल से सेक्शन डाली है, ये बोल रहे हैं कि हम टैक्स पेयर चार्टर बनाएंगे। टैक्स पेयर चार्टर एक स्टेटमेंट रहेगा, एक यू कैन से दैट एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें टैक्स पेयर के राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में बताया जाएगा। तो वो आपके लिए टैक्स पेयर चार्टर लाने वाले हैं, उसमें आपके ऑब्लिगेशन बताएंगे, आपके राइट्स बताएंगे, आपके अधिकार है और आपके दायित्व है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन 120 आती है, दैट इज द ज्यूरिसडिक्शनल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी का ज्यूरिसडिक्शनल कैसे डिसाइड होता है? ये नॉर्मली क्या होता है कि या तो टेरिटोरियल एरिया वाइज होता है, जैसे अपने यहां पे पिन कोड वाइज, के मुंबई में अगर मान लो अंधेरी में मेरा ऑफिस है तो मेरा एओ है वो चर्चगेट में होगा, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल एरिया वाइज। ये कभी कभी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन वाइज भी सीबीडीटी डिसाइड कर सकती है, एज वेल एज द इनकम और क्लास ऑफ इनकम वाइज भी कर सकती है, और क्लास ऑफ केसेस वाइज भी कर सकते हैं। अब एक बात समझना, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, कोई भी असेसिंग ऑफिसर है तो मान लो उसको किसी टेरिटोरियल एरिया का ज्यूरिसडिक्शन मिला, तो वहां पे जो जो रह रहा है उस पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पे जिन जिनका बिजनेस कर रहे हैं उस पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है, या किसी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर उस पर्टिकुलर एरिया में है वहां उनका ज्यूरिसडिक्शन है। क्या आप अपने ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकते हो क्या? जैसे मान लो मैं मुंबई में लोकेटेड हूं लेकिन मुझे बैंगलोर के एओ ने कोई नोटिस भेज दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये नोटिस मेरा नहीं है, तुम मेरे एओ ही नहीं हो, कैसे मुझे नोटिस भेज दिया? क्या मैं ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकता हूं। कितने टाइम में कर सकते हो तो समझने की कोशिश करता। अगर मान लो आपको रिटर्न फाइल किया था आपने 139(1) में, तो 139(1) में अगर आपने रिटर्न फाइल किया था और आपको किसी ऐसे एओ से नोटिस मिल जाता जो आपका एओ नहीं है, तो उस केस में आपको ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और 143(2). तो 142(1) इज द रिया नोटिस, 143(2) इज द स्क्रूटनी नोटिस। स्क्रूटनी नोटिस या रिया नोटिस जब आपको मिला उसके 30 days मींस 1 month के अंदर अंदर आप चैलेंज कर सकते हो, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर मान लो आपके ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करना है तो आपने रिटर्न फाइल किया था 139(1) में, तो आपको 142(1) का या 143(2) का नोटिस मिला वो रिसीव होने के 1 month के अंदर अंदर या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था तो आपको 142(1) का एक नोटिस मिला या 148 का नोटिस मिला, 142(1) का नोटिस मिला कि आप रिटर्न फाइल करो, और उसमें टाइम दिया होता है कि आपको 20 days, 30 days, 40 days में रिटर्न फाइल करना है। 148(1) के नोटिस में भी आपको बोला जाता है इतने दिन में रिटर्न फाइल करना है, या फिर आपको 144 का शो कॉज नोटिस मिला और उसमें आपको टाइम दिया गया कि इतने दिन के अंदर अंदर आप अपना रीजन टू बिलीव, वो क्या बोलते हैं, शो कॉज नोटिस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, आप अपना रिप्लाई करो। तो जो इन नोटिस में टाइम लिमिट दे रखा है उतने टाइम के अंदर अंदर मैं मेरा ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर सकता हूं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो रेड केस का रेड है, अगर मान लो सर्च हो गया, तो सर्च के केस में क्या होता है कि आपको जैसे ही 132 में सर्च होता है तो आपको 153A का नोटिस मिलता है कि पिछले 6 साल के रिटर्न फाइल करो। तो जैसे ही वो आपको नोटिस मिला, वो नोटिस मिलने के बाद 30 days के अंदर अंदर आप अपना ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, सेक्शन 127 ये बोलती है पावर टू ट्रांसफर द केस, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका केस है वो एक एओ से दूसरे एओ को ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज यस, जो भी सीआईटी सीसीआईटी रहते हैं बड़े लोग, वो आपका केस एक एओ से दूसरे एओ को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है अपॉर्चुनिटी देना तो उस केस में अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहां पे मे लिखा हुआ है, इट विल बी रीड एज द शैल ओनली एज पर द वेरियस कोर्ट जजमेंट। लेकिन बेटा अगर अपॉर्चुनिटी देना पॉसिबल नहीं है तो चलेगा, बट अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज 129, दैट इज द रीहर्ड अपॉर्चुनिटी। ये क्या होता है, अगर एक असेसिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और उसने असेसमेंट है वो 50% कर दिया था, असेसिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया उसके बाद दूसरा असेसिंग ऑफिसर आया, तो दूसरा असेसिंग ऑफिसर अपना काम कहां से चालू करेगा? जहां वो छोड़ के गया था वहीं से चालू करेगा। क्या आपको वापस से सुनेगा स्टार्टिंग से? आंसर इज नो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर हमको रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उस केस में वो आपको पूरा सुन सकता है, मतलब पहले से वो आपका सुन सकता है, मींस पहले जो पुराने एओ ने सुना था वो वापस से सुन सकता है, आपको रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, जितना टाइम इसमें खराब होता है उतना टाइम ही आपका असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट में ऐड हो जाएगा। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि असेसमेंट कंप्लीशन के टाइम लिमिट में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 130 ये बोलता है कि जो भी हमने यहां पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन वगैरह करके, ठीक है, या फिर तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम वन एओ टू अदर एओ, रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी, आगे जाके ये सब फेसलेस हो जाएगा, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट सेक्शन इज 131, दैट इज द पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब एक चीज समझता, इनकम टैक्स अथॉरिटी को 4 पावर दे रखे जो सिविल प्रोसीजर कोड में जजेस को भी दे रखे।
सबसे पहला, इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो कहीं भी जाके इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी कर सकती है। दूसरा पावर, वो किसी भी पर्सन को बुला के और ओथ पे ले सकते हैं, मिस गीता कुरान पे हाथ दिला सकते हैं। तीसरा पावर ये है कि वो किसी से भी बुक्स ऑफ अकाउंट से डॉक्यूमेंट है वो मंगवा सकते हैं और अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 15 वर्किंग डेज के लिए। क्या बोला? तो चार पावर, पहला इंस्पेक्शन डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को बुला के ओथ पे ले सकते हैं, किसी भी पर्सन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं 15 डेज के लिए, और किसी भी पर्सन को समन भेज सकते हैं, मींस कमीशन भेज सकते हैं। ये चार पावर अंडर सेक्शन 131 दे रखे हैं। उसके बाद एक सेक्शन होती है 133, दैट इज पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि किसी भी पर्सन से किसी और पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा असेसमेंट है, तो मेरे केस में मान लो मेरे बैंक से इंफॉर्मेशन मंगवानी है या मेरे शेयर ब्रोकर से इंफॉर्मेशन मंगवानी है, किसी और थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मंगवानी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस थर्ड पार्टी को सेक्शन 133 का नोटिस भेज के और वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, अगर मान लो किसी ऐसे असेसी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो जिसका केस पेंडिंग नहीं है, जिसका असेसमेंट पेंडिंग नहीं है, तो भी क्या इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है? आंसर इज यस। लेकिन अगर सीआईटी लेवल से लोअर लेवल का बंदा ये इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। 133(6) ऐसा बोलती है कि भैया अगर मान लो किसी असेसी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो जिसका केस अभी पेंडिंग नहीं है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मंगवा सकते हो, लेकिन सीआईटी से लोअर लेवल का बंदा अगर इंफॉर्मेशन मंगवाता है तो उसको सीआईटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज समझना, लेकिन जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हैं, दैट इज जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, वो इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं तो उसको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, भले आपका केस पेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 133(b) ये बोलती है, दैट इज द पावर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि जहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट हो रहा है वहां पे ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस वो जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ सकते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रिटेन नहीं करते, आपकी बाकी सब चीजें नहीं देखते, सिर्फ आते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चले जाएंगे। उसके बाद एक सेक्शन होती है 133(c). 133(c) ये बोलती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो क्या करती है, उनके पास आपसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है तो वो आपको एक नोटिस भेजेंगे, वो एंश्योर करना चाहते हैं कि उनके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं, उसकी करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक नोटिस भेजा जाएगा और 133(c) का नोटिस भेज के आपसे और इंफॉर्मेशन मंगवाई जाएगी अंडर सेक्शन 133(c). ऐसा तब हुआ था, आपको याद रहेगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जिस जिसके अकाउंट में भैया 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ था उनको सबको नोटिस आया था और पूछा था ये पैसा कहां से आया एंड ऑल दैट थिंग, दैट वाज 133(c) का नोटिस। तो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो एंश्योर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो वो आपसे नोटिस भेज के और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 133(c), और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको लगता है कि यस इससे कोई फर्क पड़ सकता है आपके असेसमेंट वगैरह पे, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको हैंड ओवर कर देंगे, वो इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर कर देंगे असेसमेंट विंग को और एओ फिर आपके मजे लेना चालू कर देगा। अब इससे रिलेटेड ये सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन वगैरह है वो मंगवा सकते हैं और सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो स्कीम बना सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज आई, दैट इज द सेक्शन 135(a), एक नई सेक्शन है, वो ये बोलती है कि आगे जाके ये सब चीजें फेसलेस हो जाएगी करके, ठीक है, आगे जाके जो कॉल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल जो भी अपन ने पढ़ा दैट विल बी द फेसलेस, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक नोटिफिकेशन आया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पावर ऑफ सर्वे और ये सेक्शन में बड़े अमेंडमेंट है तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज पावर ऑफ सर्वे सेक्शन 133(a) है। क्वेश्चन ये आता है सर सर्वे के लिए कौन जा सकता है, तो मैं बता दूं सर्वे के लिए कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जा सकती है, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी जब सर्वे के लिए जाती है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहली चीज ये कि यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ 1 अप्रैल 2020 से और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि सर्वे अगर हो रहा है किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हो रहा है, मींस इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सर्वे हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सर्वे हो रहा है तो जेसी या जेडी के लोअर लेवल का कोई बंदा सर्वे में जा रहा है, जॉइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर के लोअर लेवल का बंदा कोई भी सर्वे में जा रहा है तो वो जेसी या जेडी से अप्रूवल लेगा, उसके बाद ही सर्वे में जाएगा, उसके बिना सर्वे में नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लो बिना किसी इन्फॉर्मेशन से सर्वे हो रहा है, there is no information at all but बिना किसी information से survey हो रहा है, तो भैया कोई भी officer survey में जाए CIT DIT से lower level का, उसको CIT DIT से approval लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो survey में जा सकता है। लेकिन यहां पे निर्मला सीतारमण जी ने एक और amendment कर दिया from the 1st 11 2020, और 1st 11 2020 से इन्होंने अमेंडमेंट किया और अब ये लिखा कि भैया सर्वे में जाना है तो हमेशा बहुत बड़े सबसे बड़े ऑफिसर का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है? सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी और डीजीआईटी, पीडीजीआईटी, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्वे में जा सकते हो। और वो भी कौन सी वाली विंग? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग और टीडीएस विंग है, वो ही सर्वे में जा सकती है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, जो सबसे बड़ा ऑफिसर सीसीआईटी, पीसीसीआईटी जो होते हैं, वो जो टीडीएस वाले और उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो सर्वे में जा सकते हैं, लेकिन सीसीआईटी, पीसीसीआईटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन विंग में सबसे बड़ा ऑफिसर डीजीआईटी, पीडीजीआईटी, उसके अंडर जो भी ऑफिसर है वो सर्वे में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, परमिशन किसका लेना पड़ेगा? सबसे बड़े ऑफिसर सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, डीजीआईटी, पीडीजीआईटी, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, कोई भी उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो सर्वे में जा सकता है उनकी अप्रूवल के साथ में। लेकिन एक चीज समझना, इंस्पेक्टर जो सर्वे में जाता है वो सिर्फ किसके लिए जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए, या फिर प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए, कॉपी लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट लेने के लिए, या फिर जो फंक्शन सेरेमनी इवेंट पे सर्वे होता है वहां पे जा सकता है इंस्पेक्टर। बाकी सर्वे में दूसरे ऑफिसर है वो जाएंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी का अप्रूवल अब लेना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, सर सर्वे में जाते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले सर्वे में पावर क्या होता है? सबसे पहले वो आपके प्लेस पे एंटर करते हैं। सर्वे कहां पे होता है? तो मैंने बोला सर्वे कहां पे होता है, पता है? जहां पे बिजनेस या प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन होती है। क्या बोला? बिजनेस, प्रोफेशन, चैरिटेबल एक्टिविटी है वहां कैरिड ऑन होती है। लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेट है वो किसी और प्लेस पे रख रखी है, जैसे पार्टनर के घर पे, डायरेक्टर के घर पे, सीए के ऑफिस में, तो क्या वहां पे भी सर्वे हो सकता है? आंसर इज यस, वहां पे भी सर्वे हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सर्वे। तो सर्वे में आते हैं तो उनका क्या क्या पावर होता है? सबसे पहले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, उसको कॉपी ले सकते हैं, उसको ले जा भी सकते हैं, इंपाउंड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए। उसके बाद जो भी वहां पे मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसका इन्वेंट्री बना सकते हैं, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसको इंपाउंड नहीं कर सकते, यहां पे सीज नहीं कर सकते, ये सीजर नहीं है, यहां पे सिर्फ सर्वे है, वो सर्च में सीजर होता है, यहां पे सिर्फ सर्वे है। वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं, मींस लिस्ट वगैरह है वो बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्वे का सर कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन है क्या? आंसर इज यस। अगर सर्वे किसी ऐसे प्लेस पे हो रहा है जहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन होता है, तो दे कैन एंटर ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। लेकिन सर्वे किसी अदर प्लेस पे हो रहा है, जैसे डायरेक्टर के घर पे एंड ऑल, तो दे कैन एंटर ओनली आफ्टर द सनराइज बट बिफोर सनसेट, मींस सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले पहले वो एंटर कर सकते हैं। एक बात बताऊं, ये एंट्री का टाइम है, एग्जिट का टाइम नहीं है। एग्जिट 3 दिन बाद होंगे, 4 दिन बाद अगर बाहर जाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझना, अगर सर्वे होता है किसी शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी पे, तो शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी पे वहां पे भी सर्वे के लिए जा सकते हैं, बट दे कैन एंटर ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दैट शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो सर्वे में जा सकते हैं। अब एक और चीज समझना भैया, सर्वे में जब आप जाते हो तो सर्वे में वो किसी के बयान वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सर्वे में उनके साथ कोऑपरेट कोई नहीं करता है तो उस केस में वो समन इशू कर लेते हैं 131 का, और समन इशू का, समन का अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो उसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, कुछ 10 सालों पहले टीडीएस टीसीएस सर्वे और चालू हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो टीडीएस टीसीएस चेक करने के लिए कि आप टीडीएस टीसीएस की कंप्लायंस कर रहे हो नहीं। तो टीडीएस टीसीएस कंप्लायंस चेक करने के लिए दे कैन एंटर एट योर ऑफिस, जहां बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट होता है वहां पे वो चेक करने के लिए आ सकते हैं करके, ठीक है। लेकिन इसमें टीडीएस टीसीएस सर्वे में ध्यान रखना, वो कभी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो नहीं ले जा सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो नहीं ले जा सकते, एज वेल एज जो तुम्हारी कैश, वैल्यूएबल इन्वेंटरी, वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है उसका इन्वेंटरी वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर सर्वे। अब एक चीज समझना, सर्वे के बाद में हम स्टार्ट करते हैं सर्च एंड सीजर, जिसको पॉपुलरली मार्केट में रेड बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर रेड कब होती है? तो मैं बताऊं, 2 चीजों के केस में रेड हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपको नोटिस मिला 1421 का, रिया का नोटिस मिला, या फिर आपको समन मिला 131 का, आपने उसका कंप्लाई नहीं किया, या फिर फ्यूचर में आपको भेजते तो आप उसको कंप्लाई नहीं करोगे, तो उस केस में हो सकता है किसी का पास्ट रिकॉर्ड ही इतना खराब होता है कि वो कंप्लाई नहीं करने वाला। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको 1421 का नोटिस भेजा या 131 का समन भेजा, आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, या फिर आपको भेजते तो आप उसको कंप्लाई करते, तो उस केस में आपका रेड हो सकता है। दूसरा, उनके पास अगर ऐसा रीजन टू बिलीव है, ऐसे रीजन टू बिलीव है कि आपके पोजीशन में कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है जिसको आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, या जिसको आप इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं करने वाले, तो उस केस में सर्च हो सकता है, रेड हो सकती है। अब एक और चीज समझना, जो भी इन्फॉर्मेशन इनके पास में होती है, क्या एसएससी को बतानी पड़ेगी कि इस बेसिस पे हमने रेड किया? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज टू एनीवन। एंड मोदी जी मेड वन अमेंडमेंट कि आईटेट लेवल तक किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो बताना पड़ेगा, बट आईटेट लेवल तक तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब भी रेड होती है ना, तो रेड के लिए वारंट लगता है।
रेड का वारंट होता है, सर्च वारंट होता है, वो सर्च वारंट कौन इश्यू कर सकता है? जो सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं। सबसे बड़े ऑफिसर कौन होते हैं? सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, डीजीआईटी, पीडीजीआईटी, उसके नीचे सीआईटी, पीसीआईटी और डीआईटी, पीडीआईटी, ये लोग ही सर्च वारंट इश्यू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर है, वो भी सर्च वारंट इशू कर सकते हैं उनको अगर सीबीडीटी ने एम्पावर किया है तो। अब एक और चीज समझना, जब सर्च के लिए आते हैं तो उनके पास क्या पावर होते हैं? सबसे पहले दे कैन एंटर एट एनी प्लेस, एनी बिल्डिंग, एनी वेसल, एनी एयरक्राफ्ट, जहां पे उनको सस्पेक्ट है कि यहां पे कुछ रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स या मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स, तो वहां पे आके वो चेक कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं उस प्लेस को। दूसरा पावर के भैया जो भी उस प्लेस पे ऑलरेडी है या कोई बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, उसको चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में वहां पे जो भी दरवाजा है या फिर तुम्हारा कोई भी कंटेनर है, बॉक्स है, अलमीरा है, जिसकी कीज अवेलेबल नहीं है, उसको वो ब्रेक कर सकते हैं। जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलेगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसको लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसको साथ में ले जा भी सकते हैं। वहां पे जो भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसका इन्वेंट्री बना सकते हैं और उसको सीज करके भी ले जा सकते हैं। यहां पे सीज करके ले जा सकते हैं, यहां पे वो लोग क्या करते हैं, सीज करके ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान, कभी भी स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं कर सकते। जो तुम्हारा रिकॉर्डेड स्टॉक इन ट्रेड है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको सीज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक को सीज करेंगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा और ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा आपका बिजनेस बंद हो। तो भैया जो भी तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है उसको वो सीज नहीं कर सकते, बाकी चीजों को वो सीज कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, उसके बाद में अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, कंप्यूटर में रखी हुई है, कोई सॉफ्टवेयर में रखी हुई है, तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में वहां पे वो किसी के भी बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं, पंचनामा बनाते हैं और किसी के भी बयान वगैरह है, वो बयान वगैरह है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्च। उसके बाद में एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द डीम्ड सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर। कभी कभी क्या होता है, किसी असेट को सीज करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स वेट, वॉल्यूम, नेचर, क्वांटिटी। वेट, वॉल्यूम, नेचर, क्वांटिटी, ड्यू टू इट्स वेट, वॉल्यूम, नेचर, क्वांटिटी की वजह से अगर उसको सीज करना पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक ऑर्डर देके जाती है और बोलती है कि जब तक हम ना बोले इसको और किसी को आप, हम जब तक हम ना बोले इसको आप किसी मूव नहीं करोगे, किसी को बेचोगे नहीं। दैट इज कॉल्ड योर डीम्ड सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर। आई कैन टेक वन एग्जांपल, जैसे मान लो आपके घर पे रेड हो गई और रेड में वहां पे आरडीएक्स मिल गया। अब आरडीएक्स का नेचर ऐसा है, उनको डर लग रहा है कि गाड़ी में रखेंगे कहीं गाड़ी में ना फट जाए करके, ठीक है, तो उसका नेचर ऐसा है तो उसको नेचर की वजह से सीज नहीं कर सकते, तो वो आपको एक ऑर्डर देके जाएंगे, बोलेंगे जब तक हम ना बोले इसको कहीं ले जा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड अ डीम्ड सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब एक और चीज है, दैट इज द, एक आता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेन। ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेन क्या होता है कि कभी कभी किसी असेट को सीज नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे रीजन वो वेट, वॉल्यूम, नेचर, क्वांटिटी नहीं है, कोई और ही रीजन है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि भैया रेड हुई किसी ऑफिस में और एम्प्लॉई के गले में एक गोल्ड नेकलेस है, एम्प्लॉई के गले में एक महंगा गोल्ड नेकलेस है, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि शायद ये हो सकता है एम्प्लॉयर का हो करके, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस पर्सन को ऑब्वियसली वो असेट ले तो नहीं सकते, बट उस पर्सन को एक ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेंट देते हैं कि जब तक हम ना बोले इस असेट को आप मूव नहीं करोगे, मींस असेट को बेचोगे वगैरह नहीं। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेंट की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो 60 डेज होती है, 60 डेज के बाद में ये ऑटोमेटिकली वैकेटेड हो जाता है। उसके बाद सर्च के केस में कुछ प्रिजम्पशन ली जाती है और स्ट्रांग प्रिजम्पशन है। पहली प्रिजम्पशन यह है कि जिसके पास जो मिलेगा वो ये मान लिया जाएगा वो आप ही का है करके, ठीक है। दूसरी प्रिजम्पशन यह है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप मिलेंगे वो आपके है, और दूसरी चीज उसका जो भी कंटेंट है ना, जो उसमें लिखा हुआ है वो ट्रू है, जो उसमें लिखा हुआ है वो ट्रू है। उसके बाद में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो साइन किया हुआ, अटेस्टेड किया हुआ या स्टैंप किया हुआ या किसकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ लग रहा है कि वो उसकी हैंडराइटिंग में है या उसने अटेस्ट किया, स्टैंप किया, साइन किया हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसी ने ये स्टैंप किया है, साइन किया है, अटेस्ट किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 132(9)A ही बोलती है कि भैया अगर एक बात बताओ, कभी भी सर्च होता है ना, सर्च पूरे इंडिया में सब जगह पे होता है। जैसे मान लो अंबानी है, अंबानी का मेन ऑफिस मुंबई में है रिलायंस का, लेकिन सर्व जो सर्च हुआ वो सर्च मान लो दिल्ली के ऑफिस पे भी हुआ, हैदराबाद के ऑफिस पे भी हुआ, तो वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर अलग अलग थे जो सर्च करने गए थे। अब वो असेसिंग ऑफिसर तो है नहीं, तो जैसे ही सर्च कंप्लीट हो जाएगा, वो सर्च कंप्लीट होने के 60 डेज के अंदर अंदर वो जितनी भी असेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट है वो असेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर देंगे जो मुंबई में है, क्योंकि मुकेश अंबानी का जो रिलायंस था, रिलायंस का असेसिंग ऑफिसर लोकेटेड इन मुंबई, तो जो ऑफिसर, जो दूसरे वाले ऑफिसर जिनको जो भी असेट्स मिली थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मिला था, वो सब हैंडओवर कर देंगे असेसिंग ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द रिलायंस। अब एक और चीज समझना, जब भी सर्च होता है तो सर्च में बहुत बार ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी को बेच देगा थोड़े दिन में, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट है वहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट भी करवा सकते हैं। तो प्रोविजनल अटैचमेंट का पावर होता है कि ड्यूरिंग द सर्च या सर्च कंप्लीट होने के 60 डेज के अंदर अंदर, सर्च कंप्लीट होने के 60 डेज के अंदर अंदर अगर उनको लगता है कि किसी असेट को प्रोविजनली अटैच करवाना चाहिए
तो वो अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये अटैचमेंट का ऑर्डर जो है वो इनिशियली 6 मंथ का रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वैकेटेड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 132A ये बोलती है कि जब भी सर्च होता है, या तो क्या होता है सर्च किसी और अथॉरिटी ने किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फेमा, सेबी, उन्होंने सर्च किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो भैया उनके पास में असेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट रहेगा, तो उनको इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि आपने इनके मजे ले लिए तो वो सब हमको हैंड ओवर कर दो, तो हम उनके मजे लेना चालू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड योर रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A। या फिर सर्च जो किया है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किया लेकिन एसएससी के डॉक्यूमेंट है वो मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है, एसएससी के डॉक्यूमेंट है वो मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उनको रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी एसएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो हमको दे दो, तो हम इनके मजे लेना चालू कर दे। दैट इज कॉल्ड रिक्विजिशन। नेक्स्ट सेक्शन 132B के सर सर्च में जो भी असेट्स मिलती है या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलता है उसका क्या होगा, तो मैं बताऊं बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मिलता है जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट होता है 153A में, क्योंकि सर्च होता है 132 में लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होता है 153A में, तो 153A में जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट हो गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन 30 डेज के बियॉन्ड भी वो अपने पास रख सकते हैं अगर सीआईटी पीसीआईटी का अप्रूवल हो और उसके साथ में उसका रीजन लिखे कि क्यों 30 डेज के बियॉन्ड भी उनको चाहिए, तो वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं। सर असेट्स का क्या होता है, तो मैं बता दूं असेट दो तरह की होती है, एक एक्सप्लेन असेट, एक तुम्हारी अनएक्सप्लेन। जो भी तुम्हारी एक्सप्लेन असेट होती है ना वो जिस मंथ में सीज हुई, एक्सप्लेन असेट मीन जिसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन वगैरह दे सकते हो, इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं ऐसी असेट जिस पे आपने टैक्स भर रखा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन असेट। जब सर्च होता है वो सब ले जाते हैं साथ में, एक्सप्लेन असेट एक्सप्लेन दोनों। तो एक्सप्लेन असेट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस मंथ में आपकी असेट सीज हुई उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जिस मंथ में आपकी एक्सप्लेन असेट सीज हुई उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर अंदर अबाउट एक्सप्लेनेशन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा, जिस डेट को सर्च कंप्लीट हुआ था, सर्च कंप्लीशन की डेट से 120 डेज के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेन असेट हैंडओवर कर दी जाएगी आफ्टर एडजस्टिंग योर एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपका एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी है उसको एडजस्ट करने के बाद आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा एक्सप्लेन असेट। अब एक चीज समझना, अनएक्सप्लेन असेट वगैरह है उसको क्या किया जाएगा, असेसमेंट कंप्लीट किया जाएगा 153A में, और उसके बाद जो भी तुम्हारा फ्रेश टैक्स लायबिलिटी रहेगा, एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी, उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई बच जाता है तो असेसमेंट 153A में कंप्लीट हो जाने के बाद में, असेसमेंट 153A में कंप्लीट होने के बाद में आपको अनएक्सप्लेन असेट वगैरह अगर कोई बच जाता है तो वो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। यहां पे अगर आपको मनी हैंडओवर होता है तो मनी के केस में आपको इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। इंटरेस्ट रहेगा 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मींस आधा टका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो कब से कब तक मिलेगा, जब सर्च कंप्लीट हुआ था उसके 120 डेज के बाद से इंटरेस्ट चालू होगा, सर्च कंप्लीट होने के 120 डेज के बाद से इंटरेस्ट चालू होगा, और जब असेसमेंट 153A में कंप्लीट होगा उस डेट तक आपको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 153A, दैट इज असेसमेंट इन केस ऑफ द सर्च केसेस। जो सर्च केसेस अगर रेड होती है 132 में लेकिन इसका असेसमेंट होगा 153A में। अब एक बात समझना, जैसे ही रेड हो जाती है आपको उसके बाद में एक नोटिस मिलेगा 153A का, और आपको बोला जाएगा कि लास्ट के 6 ईयर्स के आप रिटर्न फाइल करो। 6 ईयर कौन से वाले, जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुआ ना उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 6 प्रीवियस ईयर। मैंने क्या बोला, जिस प्रीवियस ईयर में सर्च स्टार्ट हुआ उस ईयर को छोड़ के पीछे के 6 साल के आपको रिटर्न मंगवाए जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये 6 साल के पहले भी जा सकते हैं, मींस दे कैन गो बियॉन्ड 6 ईयर ऑल्सो बट नॉट मोर देन 10 ईयर्स। मींस 6 साल के पहले के 4 साल और कवर कर सकते हैं, लेकिन वो 4 साल जो 4 ईयर है वो तभी कवर कर सकते हैं जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन ये है कि आपका सर्च है वो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि भैया उस ईयर का वो जो 4 साल है वो 4 में से किसी 1 या ऑल 4 ईयर्स का वहां पे इनकम एस्केपिंग, और इनकम एस्केपिंग आपका 50 लाख रुपीज और मोर है, और वो इनकम एस्केपिंग है वो इन द फॉर्म ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर एंड सिक्योरिटी, लोन और एडवांसेस, और डिपॉजिट इन द बैंक के फॉर्म में है। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो 6 साल के बियॉन्ड भी जा सकते हैं और आपको 10 साल के आपसे रिटर्न मंगवा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, नॉर्मली दे विल कॉल 6 ईयर्स रिटर्न, बट 6 ईयर के बियॉन्ड भी जा सकते हैं अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन जो है वो आपका सर्च जो है वो कमेंस हुआ था कब, सर्च जो कमेंस हुआ 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में हुआ है, वहां उन 4 सालों में इनकम एस्केपिंग है 50 लाख और मोर, और वो इनकम एस्केपिंग इन द फॉर्म ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर एंड सिक्योरिटी, लोन और एडवांसेस, डिपॉजिट इन द बैंक के फॉर्म में है। तो अब एक चीज समझना, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करोगे कितने साल के, नॉर्मली 6 ईयर के, लास्ट 6 ईयर के अंडर सेक्शन 153A रिटर्न फाइल होंगे, और 10 साल के भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक वो जा सकते हैं। अब एक चीज समझना, करंट ईयर का रिटर्न है वो आप नॉर्मल कोर्स में फाइल करोगे, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसमेंट कंप्लीट करेगा कितने सालों का पता है, लास्ट के 6 ईयर का, करंट ईयर का भी, और 6 और 10 दोनों हो सकते हैं। मींस मैं बताऊं 6,
10 एंड करंट ईयर का उनके रिटर्न है वो फाइल आपने किए थे उसके लिए वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा 153A में। अब एक बात समझना सर, लास्ट के 6 ईयर या 10 ईयर के जो वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा, लेकिन हो सकता है लास्ट के 6 या 10 ईयर में हमारा कोई असेसमेंट पेंडिंग है, मिस असेसमेंट ऑलरेडी चल रहा है अंडर सेक्शन 143(3) या 147 और 144, तो उसका क्या होगा? तो अगर आपके पिछले 10 सालों में 6 सालों में जो भी असेसमेंट हो रहे हैं वो अगर असेसमेंट चल रहा है तो जो असेसमेंट चल रहा है वो अबेट हो जाएगा। अबेट का मतलब रुक जाएगा, रुक जाना, तो वो असेसमेंट रुक जाएगा और असेसमेंट अब 153A में कंप्लीट होगा। लेकिन अगर मान लो वो लास्ट के 6 ईयर में कोई भी तुम्हारा अपील चल रहा है या रिवीजन चल रहा है, रेक्टिफिकेशन चल रहा है, तो वो चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वाले पार्ट का असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर पार्शियल मर्जर का डॉक्ट्राइन है, वो यहां पे अप्लाई होगा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आगे जाके क्या हुआ कि जो तुम्हारा रेड था वो रेड इनवैलिड हो गया, और रेड ही इनवैलिड हो गया तो जो अबेटेड असेसमेंट है वो वापस से रिवाइव्ड हो जाएगा और वो असेसमेंट कंप्लीट होगा। रिवाइव्ड असेसमेंट है वो कैसे कंप्लीट होगा, कब तक होगा, वो अपन देखेंगे। अब एक और चीज समझना सर, बहुत बार क्या होता है कि भैया असेसमेंट जो है वो मान लो रेड मेरे पे हुई, रेड जो है वो मेरे पे हुई तो मेरा असेसमेंट 153A में होगा, लेकिन मान लो मेरे पे रेड हुई और वहां पे कुछ असेट ऐसी मिल गई या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा मिल गया जो मेरे मामा से रिलेटेड है, और मेरे मामा कहां पे रहते हैं, मान लो अहमदाबाद में रहते हैं, मेरे मामा अहमदाबाद में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, तो जैसे ही जो असेट है वो मेरे मामा से रिलेटेड है तो मेरा असेसमेंट तो 153A में होगा ही होगा, लास्ट के 6 साल का, साथ साथ करंट ईयर का भी होगा और लास्ट के 10 साल तक भी जा सकते हैं। देखो करंट ईयर का असेसमेंट 143(3) और 144 में होगा और लास्ट के 6 साल 10 साल का असेसमेंट 153A में होगा। अब एक बात बताओ, यहां पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट असेट है वो मेरे मामा से रिलेटेड मिल गई तो मेरा मुंबई का असेसिंग ऑफिसर वो असेट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हैंडओवर किसको करेगा, मेरे मामा के एओ को, अहमदाबाद के एओ को, और अहमदाबाद का एओ जो है जब उसके पास असेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएगा वो क्या करेगा, चेक करेगा कि मामा ने सब ये चीजें बताई है या नहीं। मामा ने मान लो वो सब चीजें उसके रिटर्न में बता रखी है तो ही इज सो हैप्पी, तो वो क्या करेगा, वो असेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मामा को हैंडओवर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मामा अगर चोर है, यहां पे मामा चोर है, मामा ने वो असेट्स वगैरह बुक्स में बताई नहीं है, तो वो क्या करेगा पता है, मामा को भेज देगा लास्ट के 6 साल और 10 साल के नोटिस, और मामा को बोलेगा कि लास्ट के 6 साल के आप रिटर्न फाइल करो, 10 साल के आप रिटर्न फाइल करो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर असेसमेंट कंप्लीट कब तक करने पड़ेंगे, तो असेसमेंट कंप्लीट मेरा कब तक करना पड़ेगा, बीबी सर का असेसमेंट, एक तो करंट ईयर का, करंट ईयर का मतलब जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुआ उस ईयर का, और पिछले 6 साल 10 साल के मेरे ऑल असेसमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड। मैं क्या बोल रहा हूं, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड। लेकिन एक चीज समझना, सर्च अगर मान लो प्रीवियस ईयर 18-19 में हुआ था तो पहले 18 मंथ था, और उससे पहले हुआ था तो 21 मंथ था, बट अभी आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रखो कि भैया मेरे जो जितने भी असेसमेंट है करंट ईयर का, लास्ट के 6 और 10 इयर्स के असेसमेंट कंप्लीट होंगे विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड। अब एक बात बताओ, मामा के कब तक कंप्लीट होंगे, तो मामा का करंट ईयर का, पिछले 6 ईयर और 10 ईयर के मामा के असेसमेंट भी कंप्लीट होंगे सेम टाइम लिमिट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड इन केस ऑफ द मिस्टर बीबी। लेकिन एक चीज समझना, अगर मामा के एओ को असेट लेटर पार्ट में हैंडओवर हुई तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, तो वहां पे कैसा टाइम है समझने की कोशिश करना। मामा का असेसमेंट कंप्लीट होगा विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड, और 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच असेट वाज हैंडेड ओवर बाय असेसिंग ऑफिसर ऑफ बीबी सर टू द असेसिंग ऑफिसर ऑफ मामा, whichever is later, दोनों में से जो later, वापस बोल रहा हूं, मामा का assessment कब तक complete होगा, 12 month from the end of the financial year in which search was completed, or 12 month from the end of the financial year in which asset is handed over to assessing officer of the mama, whichever is later वाला time limit है, वो मामा के लिए लगेगा। अब एक और बात बताओ, जब भी सर्च होता है तो obviously higher level का officer है वो assessment complete करेगा, that is the joint commissioner, joint commissioner है वही assessment complete करेगा, but joint commissioner allow करता है तो उसके lower level का ITO ACDC भी assessment complete कर सकता है। अब एक और चीज समझना, हमने असेसमेंट प्रोसीजर में जहां जहां ये असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट पड़ा, जैसे 143(3) के लिए असेसमेंट कंप्लीशन 153(1) में था, 153(2) में था 147 के लिए, और यहां पे 153(b) में है, 153(a) और 153(c) के लिए। अब एक चीज समझना, ये असेसमेंट कंप्लीशन के जो भी टाइम लिमिट है उसमें 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर होता है, अगर आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर होता है तो यहां 12 मंथ एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही सर्च होता है ना तो भैया पिछले 6 साल के असेसमेंट खुलेंगे ही खुलेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक असेसमेंट, पिछले 6 साल 10 साल के असेसमेंट खुलने ही वाले। लेकिन एक चीज समझना, एक इसका एक्सेप्शन है कि भैया अगर सर्च हुआ तो भी पिछले 6 साल के असेसमेंट नहीं खुलेंगे, सिर्फ करंट ईयर का असेसमेंट कंप्लीट करके आपको छोड़ दिया जाएगा। यह तब होता है जब इलेक्शन वाले किसी स्टेट में
मान लो रेड हो जाती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी चेन्नई में इलेक्शन है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो जिस डेट को नोटिफिकेशन आया इलेक्शन का उस डेट से लेके और जिस दिन वो पोलिंग हुआ मींस वोटिंग हुआ शाम को 6 बजे मान लो वोटिंग खत्म हो जाता है, उस बीच में अगर चेन्नई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर अगर मान लो इलेक्शन होते हैं, वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं बट वहां पे अगर मान लो रेड होती है उस पर्टिकुलर पीरियड में, या फिर कहीं और रेड हुई थी लेकिन वो पैसा जो है वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में लगने वाला था, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पैसा मिला है या असेट मिली है ये इलेक्शन से रिलेटेड किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो उस केस में बेटा जिस पर्सन के पास में मिला है उसके लास्ट के 6 ईयर के असेसमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ करंट ईयर का असेसमेंट करके उसको छोड़ दो, करंट ईयर का असेसमेंट करके उसको छोड़ दो। लेकिन मान लो जैसे ही रेड हुई और उस पर्सन के पुराने असेसमेंट पेंडिंग थे तो वो तो अबेटेड हो जाएंगे, अगर अबेटेड वाला केस होता है तो फिर भैया 6 साल के असेसमेंट होंगे ही होंगे, बट नॉर्मली अगर अबेटेड वाला केस नहीं है और किसी बंदे के पास किस पॉलिटिकल पार्टी का पैसा मिल जाता है तो सिर्फ करंट ईयर का असेसमेंट करके उसको छोड़ दो। दिस इज कॉल्ड योर सर्च। अब एक चीज समझना, आपको डाउट ये रहेगा सर्च और सर्वे में फर्क क्या है। देखो सर्वे जो होता है ना उसका टाइम लिमिट है एंट्री का, सर्च का कोई टाइम लिमिट नहीं, रात को 12 बजे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर्च का कोई टाइम लिमिट नहीं, सर्वे का टाइम लिमिट था। अब एक और चीज समझना, सर्वे जो होता है वो ऐसे ही हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, बट सर्च के लिए ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, उसके बाद ही होता है। उसके बाद में एक और चीज समझना, सर्च होता है उसके बाद असेसमेंट होगा ऐसा कोई नहीं है, बट बेटा सॉरी सर्वे होता है सर्वे के बाद में असेसमेंट होगा ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर्च हुआ है तो आपका असेसमेंट होगा ही होगा। तो तीन फर्क मैंने बताए, सर्वे के लिए टाइम लिमिट है, सर्च के लिए टाइम लिमिट नहीं है। सर्वे जो है वो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, हो सकता है, सर्च के लिए स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तभी होता है। उसके बाद सर्वे के बाद में आपका असेसमेंट होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ऑब्वियसली सर्च हुआ है तो आपका असेसमेंट होगा ही होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट। एक बात समझना, असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है, तो आप समझने की कोशिश करना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 153(1) में दे रखा है कि भैया तुम्हारा स्क्रूटनी और बैच जजमेंट असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 153(2) ये बोलता है, 153(2) ये बोलता है कि भैया 147 का असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। उसके बाद 153(3) ये बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारे आईटेट ने या सीआईटी एडमिन ने अंडर सेक्शन 263-264 या आईटेट ने अंडर सेक्शन 254 असेसमेंट जो एओ ने किया था उसको कैंसिल कर दिया और एओ को बोला वापस से असेसमेंट करके आ, असेसमेंट जो एओ ने किया था उसको कैंसिल कर दिया और एओ को बोला कि वापस से असेसमेंट करके आ, तो एओ वापस से असेसमेंट कब तक करेगा, तो एओ को वापस से असेसमेंट करने का टाइम लिमिट मिलेगा, दैट इज 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटेट का जो ऑर्डर था वो डिपार्टमेंट को मिला या सीआईटी एडमिन ने जो ऑर्डर पास किया उस ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर एओ जो है वो फ्रेश असेसमेंट कंप्लीट करेगा। 153(4) ये बोलता है कि आपका केस अगर टीपीओ को ट्रांसफर होता है तो 1 साल का एडिशनल टाइम लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो किसी कोर्ट का ऑर्डर आया था, जैसे सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर सीआईटी एडमिन का रिविजनल ऑर्डर आया और वो रिविजनल ऑर्डर की वजह से ऑब्वियसली उसका इफेक्ट देना पड़ेगा आपके पुराने असेसमेंट ऑर्डर पे, क्योंकि आपने अपील में गए थे और अपील में मान लो गए थे किसी मैटर को लेकर और वहां पर जीत गए तो आपका असेसमेंट ऑर्डर भी चेंज होगा, तो वो असेसमेंट ऑर्डर पे उसका इफेक्ट कब तक देना है, उसका कोई टाइम लिमिट है, तो आंसर इज यस, एओ को इफेक्ट देना पड़ेगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द सीआईटी पीसीआईटी, मींस जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको जो ऑर्डर मिला उनका, किसका, सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर, या फिर सीआईटी ने 263-264 का रिविजनल ऑर्डर पास किया उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर, लेकिन मान लो ये 3 मंथ में अगर मान लो पॉसिबल नहीं है यहां पे इफेक्ट देना, तो यहां पे पावर है सीआईटी पीसीआईटी के पास कि वो 6 महीने का एडिशनल टाइम लिमिट दे सकते हैं और यहां 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे इफेक्ट देने से पहले जो भी सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसका इफेक्ट देने से पहले एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करने के बाद इफेक्ट देना है, तो टाइम लिमिट वो हो जाएगी जो 153(3) में दे रखी है। और 153(3) में टाइम लिमिट क्या दे रखी है, दैट इज द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सीआईटी अपील, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वॉज रिसीव्ड बाय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263-264। उसके बाद में 153(8) ये बोलता है कि अगर मान लो आपका रेड हुआ था और रेड की वजह से आपके पुराने असेसमेंट जो चल रहे थे वो अबेटेड हो गए थे, तो अबेटेड के बाद अगर रेड इनवैलिड हो गया तो अबेटेड असेसमेंट वापस से रिवाइव्ड हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। लेकिन सर वो रिवाइव्ड असेसमेंट अब जो हुआ वो कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड आइदर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट वॉज रिवाइव्ड, मतलब जिस मंथ में रिवाइव हुआ उस मंथ के एंड से 1 साल, या फिर 153(1)(2) में जो टाइम दे रखा है जो ओरिजिनल असेसमेंट अबेट हुआ था उसका जो टाइम लिमिट कंप्लीशन का है वो टाइम लिमिट, या 153(b) में जो रेड असेसमेंट, रेड केसेस के असेसमेंट कंप्लीट
करने का टाइम लिमिट होता है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड. ये तीनों टाइम लिमिट में से विच एवर इज लेटर वाला टाइम लिमिट रहेगा तब तक आपको रिवाइव्ड असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा. अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि 150 सेक्शन वो ये बोलती थी कि मेरी वाइफ के केस में अगर मान लो कोई भी ऑर्डर आता है तो मेरा 20 साल 25 साल 50 साल बाद भी केस खुल सकता है. तो क्वेश्चन ही आता है केस खुल तो सकता है, 148 का नोटिस तो आ सकता है, लेकिन वो असेसमेंट 147 में कब तक कंप्लीट होगा? तो वो असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच दैट सीआईटी अपील आईटेट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट का ऑर्डर जो मिला किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जिस मंथ में मिला उस मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर मेरा असेसमेंट है वो 147 में कंप्लीट होगा. अब एक और चीज समझना, अगर मान लो किसी फर्म का 147 हुआ था तो पार्टनर का भी 147 होगा, और पार्टनर का 147 का असेसमेंट कब तक कंप्लीट होगा पता है? 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाज पास्ड. मतलब जिस मंथ में पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ उस मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर पार्टनर का भी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा अंडर सेक्शन 147. अब एक चीज समझना, जहां जहां असेसमेंट होता है जो जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी है वो टाइम लिमिट में एक चीज ध्यान रखना कि जहां जहां टाइम खराब होता है उतना एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. जैसे मान लो आपके केस में इंस्टीट्यूट के केस में कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया एओ ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला उसमें टाइम खराब हुआ, या फिर आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर किया था वैल्यूएशन ऑफिसर में खराब हो गया, आपका केस है उसको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था उसमें टाइम खराब हो गया, या इंडिया के बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करने में टाइम खराब हो गया, रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी देने में टाइम खराब हुआ, आप सेटलमेंट कमीशन में गए थे वहां केस अबेट हो गया उसमें टाइम खराब हुआ. तो ये वैसे बहुत सारे केसेस है जहां पे आपका टाइम है वो खराब होता है एओ का. तो जितना टाइम एओ का खराब होगा उतना आगे ऐड कर दो, आप ये याद रखो कि जितना टाइम एओ का खराब होगा उतना टाइम आगे ऐड कर दो. लेकिन एक चीज समझना, ऐड करने के बाद भी अगर एओ को 60 डेज से कम टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट एओ को 60 डेज मिलना चाहिए. मैंने क्या बोला कि भैया ऐड करने के बाद भी अगर एओ को मिनिमम 60 डेज तो मिलना चाहिए, 60 डेज से कम मिल रहा है तो एओ को मिनिमम 60 डेज है वो मिलना चाहिए. एग्जांपल मैं आपको फास्ट ट्रैक बैच रेगुलर बैच दोनों में करवा चुका हूं. लास्ट पार्ट इस 292BB और 292BB ये बोलती है कि भैया अगर मान लो कोई भी नोटिस है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं भेजा था, प्रॉपर मैनर में नहीं भेजा था, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं भेजा था, तो क्या आपको चैलेंज करना चाहिए? यस, असेसमेंट चल रहा है तब तक चैलेंज कर लो, लेकिन एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो गया क्या उसके बाद चैलेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो. तो 292BB ये बोलता है कि भैया अगर मान लो कोई भी नोटिस है वो आपको टाइम पे नहीं भेजा था, जो नोटिस है वो नोटिस आपको टाइम पे नहीं भेजा था, नोटिस जो था वो टाइम पे नहीं भेजा था, प्रॉपर मैनर में नहीं भेजा था एंड ऑल, तो उस केस में आपको क्या करना है भैया कि जब तक असेसमेंट चल रहा है तब तक चैलेंज करना है. असेसमेंट एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि सब चीजें प्रॉपर थी, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके बाद मैंने वापस टाइम लिमिट दे रखी है. दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट. Yes people, so that is the completion of your assessment procedure वाला topic. अब एक चीज समझना, normally अपन जो revision lecture लेते हैं उसमें काफी कम time लगता है, लेकिन इस topic में बहुत ज्यादा time लगा क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी detail इसमें बताई और थोड़ा मैं slow pace में इसमें मैंने आपको revise करवाया. अब एक चीज समझना, सर मैं सोच रहा हूं कि जो तुम्हारा फेसलेस असेसमेंट वाला पार्ट है और अपील्स और फेसलेस अपील है उसको मैं अगले लेक्चर में ले लूं, तो जो अगले वाला लेक्चर है वो अगले वाले लेक्चर में मैं उसको लेने वाला हूं. सो गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. बट गाइज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, आप टाइम देख लो, डेज गिन लो यार कितने बचे हैं. 2-2.5 महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है फॉर योर एग्जामिनेशन, और ये अभी आपका बेस्ट टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करो और जितनी बार रिवाइज हो सकता है आप इसको रिविजन लेक्चर को यूज़ करो. इधर उधर खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, बैठे हो करके, ठीक है, जो भी लाइक आपको लगता है कि पढ़ाई को छोड़ के जब आप घूमने जा रहे हो तभी भी आप रिविजन लेक्चर ईयरफोन डाल दो और आप इन चीज़ों को सुनते रहो, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें आने वाली है. और मैं बताऊँ जो लास्ट रिजल्ट जो आया उसमें काफी बच्चे ऐसे थे, अप्रॉक्स 2600 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जेम्पशन स्कोर की, 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर की नवंबर 2020 के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं. मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूं, ऑब्वियसली देखो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है ना जब आप पास होते हो, क्योंकि आप पास होते हो जितना आपके पेरेंट्स को खुशी होती है ना उतना ही मुझे होती है, कहीं उससे ज्यादा होती है, बिकॉज यार एक लगता है यार नहीं यार ये बंदा पास हो गया, कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें छोटा सा 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि प्लीज़ 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 पढ़ाई करते रहो करके, ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज अभी 2 लाख सब्सक्रिप्शन पूरे होने वाले हैं, 15,000 अभी है उसमें शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. मैंने आज तक कभी नहीं बोला है आपको लेक्चर को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बट आज मैं आपको बोल रहा हूँ. क्यों बोल रहे हो सर? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ करके, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत सारे लाइक्स है वो होने चाहिए अगर आपको अच्छा लगा है रिवीजन लेक्चर तो करके.
और गाइस पढ़ते रहो, खुश रहो और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, खुद का ध्यान रखो, खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो स्पेशली, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना जब अपन ज़्यादा टेंशन में होते हैं हम कुछ भी चीज़ें खाने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे साथ भी होता है, नॉट ओनली यू बट भैया आपकी हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है एग्जाम तक करके, ठीक है। एग्जाम तक आपको अपनी हेल्थ को संभालना है बिकॉज वो आपके 16 डेज जो लास्ट वाले है जब आप एग्ज़ाम लिखोगे वो उसमें आपको बेस्ट रहना है, बहुत अच्छे से लेना है। मेंटल है वो उसको ध्यान रखा करो, एकदम कूल रहा करो, पूरा आइस लगा लिया करो चारों तरफ करके, और आइस लगा के एकदम आराम से पढ़ाई है वो पढ़ाई करो। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो पढ़ता है वो पास होता है, जो पढ़ता है वो पास होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्या है आपका 10th का स्कोर क्या था, 12th का स्कोर क्या था, उससे कोई मतलब नहीं है यार, वो सब इररिलेवेंट है आज की डेट में। आज आप क्या कर रहे हो, आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको लेके आप काम करो और मेहनत करो, आराम से पास हो जाओगे करके, ठीक है। जो मेहनत करता है ना, जो लड़ता है ना, जो सेक्रीफाइस करता है ना, जो अपना कुछ ना कुछ देता है वो इजीली पास हो जाता है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत ही। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे, और अगले रिविजन लेक्चर में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ प्रोसीजरल पार्ट ओनली, दैट इज द अपील्स एंड रिविजन वाला टॉपिक। थैंक्स अ लॉट।